ये दोस्तों, आज का मेरा एपिसोड जो है स्पेशल एक एमसीक्यू क्लास है, और ये क्लास ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए भी है जितना जो लोग अभी तक मेरे साथ जैसे कि हाईवे पढ़ रहे थे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले जो स्टूडेंट थे, या आरआरबी जेई एसएससी जेई वाले जो स्टूडेंट हैं जो हमारे बैच में हैं, या यूट्यूब में भी जो देख रहे थे क्लास, तो उसके हिसाब से ये एमसीक्यू वाला जो एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, जो लोग हमारे साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ चुके हैं जितना तक मैंने पढ़ा है, तो उसी के बेस पर ही एमसीक्यू रखे हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, उस तरह से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, एसएससी जेई 2024, ये ना केवल 2024, ये तुम्हारा और भी कई सारे एग्जामों के लिए फायदेमंद हो जाएगा ये वाला जो कोर्स है, क्योंकि इसमें जो सारे सब्जेक्ट हैं ऐसा नहीं है कि केवल आपके एसएससी जेई के पीवाईक्यू हम पढ़ाएंगे या प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, ऐसा नहीं। इसमें पूरा थ्योरी चलेगा डिटेल में, और जब आप सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए थोड़ा अलग थोड़ी है, सारा वही रहता है हर जगह हर एक एग्जाम में। तो प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से इसमें चल रहा है, तो ये 2500 का है, 2499 है ऑफ करके। कोई बच्चा सोच रहा है कि केवल आरआरबी जेई के हिसाब से पढ़ना है, तो उसमें क्योंकि CBT 1 जो है अलग होता है, CBT 2 अलग होता है, तो CBT 2 तो सेम ही है, टेक्निकल तो सेम रहता है, लेकिन CBT 1 जो ऐसे कि मैथ्स होता है इसमें, GS है, तो ये इसमें अलग पढ़ाया जाता है, तो एक कोर्स ये भी बनाया गया है, ये भी सेम प्राइस में है। इसके बाद कोई ऐसा बच्चा है जो केवल GS पढ़ना चाहता है मेरे साथ, और GS में जो चार सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो वो मेरे साथ पढ़ सकता है। वो सारे के सारे GS के सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा सारे, इसमें कुछ नहीं होगा अलग, केवल GS होगा और कुछ नहीं होगा, और दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ाता हूँ ही मैं अच्छे तरीके से। तो ये 2000 है, 1999 इसमें रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाईवे के दिखेंगे आपको, कुछ स्ट्रेंथ और मेटल के दिखेंगे, कुछ एक आधे क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट के दिख सकते हैं, बट मेनली फोकस इन पर होगा। तो हाईवे इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन है, ये 2019 में आ रखा है एसएससी में, तो ऐसे कि देखेंगे आप क्या पूछा गया है इसमें, जवाब करते रहेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश्ड सरफेस लेयर ऑफ द पेवमेंट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश्ड सरफेस लेयर ऑफ द पेवमेंट इज गिवन अ क्रॉस स्लोप ऑफ अ, बोलो। ये क्या कहा गया है कि क्रॉस स्लोप जो है मतलब कि आपको स्लोप दिया गया है, और पेवमेंट सरफेस मतलब कि जो टॉप लेयर में, दो बातें यहां पर कही गई हैं भाई, ध्यान से सुनना। जो टॉप लेयर है, ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर, सरफेस लेयर जिसको कहते हैं, ये पेमेंट सरफेस लेयर, उसमें केवल टॉप में डाला हुआ है 1 in 45 का स्लोप, 1 in 45 का स्लोप डाला है। कुछ याद आ रहा है क्या, किसकी बात हो रही है? हाँ, 45/1 का राइज है ना, वो तो हो गया, लेकिन ये किस में होता था ये काम, कुछ याद आ रहा है? मैकडम का अगर याद हो आपको तो 1/36 होता था, कुछ याद आ रहा है? तुमने थ्योरी पढ़ी नहीं है पीछे ना, रिवाइज नहीं करके आए ना। टेलफोर्ड में तो ऐसा कुछ स्लोप का काम हुआ नहीं था, तो ट्रस गार्ड की बात हो रही होगी ये फिर, है ना। तो इसका ऑप्शन सी फिर भी देख लेते हैं, देखो मैं तुम्हें याद ही करा देता हूँ, तुम लोग ना पढ़ के नहीं आ रहे। डेवलपमेंट ऑफ रोड में हमने पांच नाम नहीं सुने थे कि सबसे पहले रोमन रोड आया, ट्रस गार्ड आया, मेटकॉफ आया, टेलफोर्ड आया, मैकडम, इस तरह से हमने नाम पढ़े थे दोस्त, याद आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हुआ क्या था दोस्त, जब हम रोमन रोड पे आ रहे थे तो कुछ ड्रॉबैक था कि ड्रेनेज के लिए नालियों का कोई बंदोबस्त नहीं था इसमें, क्रॉस स्लोप भी नहीं दे रहे थे, बड़े बड़े फाउंडेशन नीचे लगा रहे थे स्टोन, आप ये देखो बड़े बड़े पत्थर लगा रहे थे। मैकडम ने क्या कहा था कि नीचे जरूरत नहीं है पत्थरों की, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा पहले लेक्चर में आपको, ऐसे रोडें बनती थी रोमन रोड में, याद आ रहा है? यहीं पर फोकस करेंगे तो सबसे, ट्रस गार्ड कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, नहीं ट्रस गार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है उसका जवाब, कुछ और है, 1764 में था, टेलफोर्ड होगा। उसके बाद हमने देखा रोमन टेलफोर्ड में, ये था आंसर, ये यहाँ पर छुप गया है लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेलफोर्ड है इसका आंसर, ठीक है। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो 1803 में हुआ था दोस्त, इसमें था वो, क्या स्लोप था सर? 1 in 45, ये टेलफोर्ड का है। उसके बाद कभी कभार ऐसा, ज्यादातर ये क्वेश्चन देखा जाता है मैकडम वाला, लेकिन इस 2019 में वो भी पूछा गया था, इसलिए आपको जो भी नोट प्रिपेयर किया जा रहा है, नोट्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं आपके, बस सोच समझ कर हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझो, याद करो मेनली। तो मैकेडम का क्या कंस्ट्रक्शन है सर? 1 in 36 का, तो ये टॉप सरफेस में ही भी, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। तो आंसर मिल गया, क्या मिला आंसर? टेलफोर्ड, यस। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल वार्निंग, अपनी कॉपी पेन निकाल के रखो, रफ कॉपी फटाफट से, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं, इसको सीरियस लो इस क्लास को, तभी समझ रहे हो आपके आप अपने पैसे का और समय का सदुपयोग कर रहे हैं।
कॉपी लो, रब कॉपी, और धड़ाधड़ आंसर करो, अब मुंह मत देखना, ठीक है? चलो, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिससे कि ये आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास है, इसीलिए मैंने कहा जितनी चीजें पढ़ी हैं कम से कम इंप्लीमेंट करनी आपको आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, जवाब करो। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग ऑफ द पेमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व, व्हाट विल बी द साइकोलॉजिकल वाइंडिंग व्हेन द रेडियस इज अ 230 मीटर एंड द स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए, जवाब करो, क्या बताया था, कौन बताएगा? आंसर आना चाहिए सेकंडों में, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मिनट में भी नहीं। बताओ, याद नहीं है कल साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या दिया था? हाँ तो निकालो, आंसर निकालो, मुझे आंसर से मतलब है, धड़ाधड़ आंसर निकालो, जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा लंबी जाएगी क्लास। कौन सा, ये वाला? हाँ, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है फटाफट से, क्योंकि यार आप तो सीखते आ रहे हो ना, तुम्हारे लिए ही स्पेशल क्लास है ये। तो हमने कहा कि साइकोलॉजिकल वाइंडिंग डब्ल्यू पी इज इक्वल टू सर वी अपॉन 9.5 ऑफ अंडर रूट ऑफ आर, वेलोसिटी डायरेक्ट रखना था, मैंने आपको बताया था ये सब काम करके आया था फॉर्मूला, 9.5 ऑफ आर, आर विल बी व्हाट, 230, 230 का रूट करना है, ये सब करके आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि एसएससी में आ रखा था ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका रूट निकालना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता इसमें एसएससी में, बट आप मोबाइल में तो भी निकाल ही सकते हो ना भाई। चलो, बी आंसर आ गया। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द, तुरंत तुरंत जवाब करो, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द, किन किन चीजों पे स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस डिपेंड करता है? एसएसडी का फॉर्मूला बोलो, 0.278 वी इंटू रिएक्शन टाइम प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 क्या, और एफ प्लस माइनस एस क्या। तो यहां पर आप देखेंगे तो स्पीड पे तो है, टोटल रिएक्शन टाइम पर भी है, और एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पर भी है। तो कहने का मतलब है क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक पर भी तो डिपेंड करेगा ये तुम्हारा, ये जो टर्म्स है किस पे डिपेंड करता है कि ब्रेक की एफिशिएंसी क्या है, जितनी ज्यादा ब्रेक की एफिशिएंसी होगी उतनी डिस्टेंस कम आएगी। मैं कहूंगा कि 100% एफिशिएंसी के साथ आप ब्रेक मारा है तो बहुत कम स्किडिंग होगी, समझ गए बात को? हालांकि हमारा आईआरसी 50% पर लेता है, ये जो स्किडिंग आती है ये फॉर्मूला 50% के ब्रेक एफिशिएंसी पर वो लेके आता है, वो जो न्यूमेरिकल मतलब कि वो जो हम प्रूफ करते हैं, ऑल ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, जवाब करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर दी आईआरसी, बोलिएगा आईआरसी ने क्या बोला था? यस सर, तो 0.15 का आपको लेना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट इज 3%, डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35, टोटल रिएक्शन टाइम टेकन एज 2 सेकेंड। अब जबरदस्ती कभी अगर 2 सेकंड दिया है तो अब 30 मार्क खान नहीं बोलना है कि एसएसडी के लिए तो सर आपने लिखा है था 2.5, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। अगर जो वैल्यू दिया उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। वैसे आपको पता है एसएसडी के लिए हम 2.5 सेकंड रखते हैं, बट कोई नहीं, आपको दिया है 2017 में आ रखा है। तो अगेन देखो, एसएसडी इज इक्वल टू 0.278 इंटू वी, वेलोसिटी की वैल्यू 80, रिएक्शन टाइम 2 लेना है, प्लस वी स्क्वायर, सीधे रख देते हैं, ये फॉर्मूला तो आपने निकाला है, 80 का स्क्वायर अपॉन 254 वी प्लस एफ, वी का वैल्यू फिर नहीं, एफ प्लस वी, एफ का वैल्यू 0.35, एस नीचे। अब देखो, ये एस असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग का मतलब होता है क्या, ऐसा या ऐसा, माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा, और 3% है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी, 3% है दोस्तों, ये एस परसेंट होता था, तो यहां पर 3% का मतलब 0.03 रखना है, इस बात को ध्यान रखना, कैलकुलेशन तब जाके सही आएगी आपकी। कर पाओगे? हैं? अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए था, है भाई? तो 0.03 रखना है 3% को, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना बोलो, निकाल दोगे? हाँ, निकाल देना एग्जाम में। अब द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो सकती है, तो बताइए, ट्वाइस ऑफ दी, यस, पिछले क्लास में बताया ना, जस्ट पहले के क्लास में बताया था कल वाली, कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो है आईएसडी जो है, अगर कभी तब देते हैं जब आप ओएसडी नहीं प्रोवाइड कर पाते हो, और जब ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं आईएसडी के बराबर दे पाते हैं, और आईएसडी आप 2 टाइम ऑफ एसएसडी कर देते हैं, मतलब कि ट्वाइस दी एसएसडी, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो यहां पर आपके पास ट्वाइस हो जाएगा एसएसडी के, कल ही बताया था आपको, यस। तो आप कहेंगे ये हो गया काम, ये देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी, तो आईएसडी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एसएसडी, फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए। चलिए,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुरंत जवाब करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। हालांकि ये बात क्लियर है कि लेटरल आपके पास कितना होता है, फ्रिक्शन 0.15, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी आपने रेंज रखा है 0.35 टू 0.4। हालांकि मैंने आपको इसके अंदर की बात भी बता रखी है कि कितनी स्पीड के लिए कितना रखना है, वो आपको याद रखना है। तो आप सीधे कहेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा सर। देखो यहाँ पर जल्दीबाजी में ये भी हो सकता था 0.15 और 0.35। यस, नेक्स्ट। रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ द कर्व इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड सुपर एलिवेशन इज द 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ द कर्व व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। लगाओ लगाओ जवाब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला, सबसे पहले मोटी बी होता आपका। कौन सा बोलो, कौन बोलेगा? ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 R, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर। क्योंकि सर यहां पर अगर आप देखें तो E आपके पास गिवन है, कितना है E? 7% है। 7% को चेंज करना होता है। F का वैल्यू कितना है सर बोलो? 0.15 है। और यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे सर? यहां पर 100 का स्क्वायर डायरेक्ट रखना है क्योंकि हमने अब काम करे हुए हैं, तो यहां से R निकल जाएगा तुरंत। कोई निकाल सकता है क्या, किसी का कैलकुलेशन हो है? वैसे तो ये आपके SSC के क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा गुणा भाग करनी पड़ती है यहाँ पर। ये देखो ना, आप इतना फील तो कर ही रहोगे कि SSC के लिए आपके कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना कैलकुलेटर के सवाल है ये, और तुम कैलकुलेटर करके भी नहीं करवा बता पा रहे हो। जल्दी बताओ दी, सबसे पहला जवाब नहीं आएगा? अरे 100 का स्क्वायर कर दो, यहां से कर दो ना, आर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, ये हो गया अपॉन में 127 गुणा अंदर में कितना हो गया 0.07 प्लस 0.15, तो ये हो गया आपका आर। निकालो इसको, नहीं आ पा रहा है बता यार, तुमसे ना हो पाएगा। 358 आ रहा है। चलो, स्टेट हाईवे रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट ऑफ द विड्थ 7 मीटर वाइड एंड अ कैम्बर ऑफ 1 in 50 इज प्रोवाइडेड, व्हाट इज द, देखिएगा सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आता है। मैंने सारे हथकंडे आपको बताए हैं, अब देखो यहाँ पर पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है, वो बनेगा आज का मैन ऑफ द मैच है। तो बताइए, व्हाट विल बी द राइज ऑफ द क्राउन, पहले सवाल को समझो। क्राउन निकालना है, क्राउन तक का राइज निकालना है, तो कौन करेगा सबसे पहले जवाब? मैंने तरीका आपको सबको पढ़ा रखा, अगर आपने सीरियस सुना होता मुझे तो, सीरियस सुना होता, फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। देखो, स्टेट हाईवे रोड है जिसमें कि कंक्रीट का पेमेंट है, कंक्रीट का पेमेंट है, तो यहां से हिंट मिल गई है कि ये कौन सा पेमेंट है। सीसी पेमेंट को कैसे बनाया था, पैराबोलिक या स्ट्रेट, यही तो दिमाग लगाना होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन यही तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपकी थ्योरी में कितनी पकड़ है। जब आपको पता लग गया कि बिटुमिनस कंक्रीट का मतलब है सीसी पेमेंट है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट कैम्बर पड़ा होगा। स्ट्रेट कैम्बर होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ऐसा डालते हैं आप, स्ट्रेट कैम्बर डालते हो कि नहीं डालते हो? रोड की चौड़ाई क्या है जी बोलो? 7 मीटर है, साफ साफ दे दिया है। आपने क्या किया होगा, इसका जो सेंट्रल लाइन होगा 3.5 फ्रॉम दिस, 3.5 फ्रॉम दिस, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां से जो ये राइज किया गया होगा सेंट्रल लाइन से, आपने जो भरान किया होगा ये, तो यही तो क्राउन होता है, इसी को हम राइज कहते हैं। क्राउन से लेकर ये राइज ही आपको निकालना है। साथ में उसने एक चीज और दिया है कि सर 1 in 50 का स्लोप के हिसाब से आप दे रहे हैं। 1 in 50 का मतलब 50 पर 1 का राइज क्या, कहने का मतलब है आप सभी लोग बोलेंगे 1 in 50 मतलब क्या सर, 1/n क्या लिखते थे आप, बट हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल है कि राइज है, मैंने आपको एक तरीका बताया था बिल्कुल ट्राइंगल का लॉ कि सर दिस बड़ा ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस छोटा एंगल, क्यों सर? ये वाला जो एंगल है ये इसके एंगल के ही बराबर होगा। देखो इधर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, एक ही लाइन पर है जब, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट दिस हाइट अपॉन दिस बेस, इट शुड बी इक्वल टू दिस हाइट अपॉन दिस बेस। कहने का मतलब है कि सर राइज जो आपको निकालना है अपॉन में, आप बोलेंगे सर 3.5 क्योंकि ये दूरी 3.5 होगी, और इज इक्वल टू सर 1/50 होना चाहिए, यस और नॉट? तो ये कितना है 3.5, दिस इज द 3.5, तो आपका हो जाएगा राइज इज इक्वल टू सर 3.5/50। तो यहां पर गुणा भाग का खेल था, तो आप जवाब करेंगे सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत जगह घूम रहा है, और ये क्वेश्चन शायद मैंने भी डील किया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, नहीं करा रहा था, यही आ रहा है।
डियर है पक्का? चलो डी आ गया। ठीक है, गलत मत करना है, डी आ रहा है ना। चलो इसका जवाब करो। व्हाट इज द टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर द पेवमेंट विथ 7 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस 100 मीटर? लॉन्गेस्ट व्हील बेस एक्सपेक्टेड ऑन द रेडियस रोड इज 7 मीटर। डिजाइन स्पीड। सबसे पहले एक काम करा करो, जब भी आप किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्यों नहीं, आपको मेनली यह है कि सॉल्व होना चाहिए, नंबर सही आना चाहिए। तो पहले डेटा लिखा करो, डेटा बताओ, डेटा में क्या क्या है। सबसे पहले सर, रोड की चौड़ाई है 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास रेडियस की भी वैल्यू दिखी है सर, 100 मीटर, वेरी गुड। और क्या दिया है सर, ये देखो, ये क्या चीज दिया भाई, 7 मीटर कौन बताएगा? व्हील बेस किससे डिनोट करते हैं? वी से ना? हाँ, वी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सपा चट हो रहे, मतलब एक ही दिन में सपा चट हो गया। व्हील बेस का जो लेंथ था, एल से डिनोट नहीं कर रहे थे वो? 50 क्या चीज है, ये भी है। हाँ ये तो सच में है सर, किलोमीटर पर आवर, ये आपको डेटा दे रखा है। और जब आप बात करते हैं टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग, तो टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग डब्ल्यू ई इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, याद करो, एन एल स्क्वायर अपॉन 2 R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट ऑफ R। अब यहां पर सवाल यह है कि सर हम एन कितना लें, तो एन आपको देखा देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि 7 मीटर की चौड़ाई है। यहीं पर सवाल अटकता है, 7 मीटर की चौड़ाई है तो आपको तुरंत क्लिक करना है दिमाग में, तो ये तो सर 2 लेन रोड है। कितनी रोड है? 2 लेन रोड है। जब 2 लेन रोड है तो आपका नंबर ऑफ लेन हो जाएगा 2, एल का वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस हो जाएगा आपका 100 और प्लस में हो जाएगा वी। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 0.278 क्योंकि फॉर्मूला निकला हुआ है, और आपका वी हो जाएगा 50 अपॉन में 9.5 और अंडर रूट ऑफ आर अगेन 100। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो 2019 में आ रखा है, तो कैलकुलेशन का खेल है सर, करने की कोशिश करना। पहले तो घर में अपने आप से नहीं हो पा रहा है तो आप पहली बार तो आप कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आंसर निकलना चाहिए, बताओ। लेकिन इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस ये करो भाई, थोड़ा समय लगाओ शुरू शुरू में, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर खुद से निकालने की कोशिश करा करो, ठीक है? क्योंकि देखो ना, ये बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन पकड़ हो थोड़ा सा। गुणा भागी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे, समय ही तो लगेगा ज्यादा, कर तो दो गई। 100 करोड़ आप जानते हैं 10 होता है, देखो 100 करोड़ कितना होता है, 10, 10 × 9.5 करोगे तो वैसे ही आपका 95 हो गया है ना, उसका डिवाइड करने की कोशिश करो तो आ जाएगा। वैसे कितना आ रहा है, किसी ने किया 1 मीटर? चलिए सी ऑप्शन आ रहा है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। व्हीकल हैज व्हील बेस ऑफ द 5.5 मीटर, व्हाट इज द ऑफ ट्रैकिंग नेगोशिएशन ऑफ द कर्व पाथ विद अ मीन रेडियस ऑफ द 31.5 मीटर, विड्थ ऑफ द पेमेंट इज द 3.5? जवाब करेंगे, सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आता है भाई, कौन है वो जो सबसे पहले जवाब करेगा। व्हाट विल बी दी ऑफ ट्रैकिंग? अब ऑफ ट्रैकिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्या होता है ऑफ ट्रैकिंग का मतलब, बोलो। ऑफ ट्रैकिंग की जब बात होती है तो याद है, ऑफ ट्रैकिंग को ही तो आप कहते हैं मैकेनिकल वाइंडिंग, क्या ये कुछ और थोड़ी होता था ऑफ ट्रैकिंग, मैकेनिकल वाइंडिंग को ही ऑफ ट्रैकिंग कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। ऑफ ट्रैकिंग का मतलब ये थी आपका कर्व, और जब आपका गाड़ी का एक टायर कुछ हिस्सा यहां पर आ जाता है, उसको ऑन ट्रैक की जगह ही ऑफ ट्रैक आ गया, तो वो हमने कैलकुलेट कराया था ये वाली वैल्यू, ये कि एक्स्ट्रा चौड़ाई जो आपको देनी है डब्ल्यू एम, दिस इज एन इन स्क्वायर, एन एल स्क्वायर अपॉन 2 R, मैं बार बार लिख रहा हूं, एन नंबर ऑफ फेज बताइए। अब यहां पर नंबर ऑफ फेज तुम बताओ, विड्थ ऑफ पेमेंट इज 3.5, दैट मीन्स दिस इज द सिंगल लेन रोड, क्या? तो आप क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, लेंथ आपका व्हील बेस का 5.5, इसका स्क्वायर कर देना अपॉन में रेडियस, वो भी आपको दे रखा है, और 31.5 दे रखा है, काफी कम रेडियस है। तो चलिए जवाब करें, खैर डी आएगा, ठीक है, तो आपके पास 0.48 आ जाएगा जो उस। स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रिफियर व्हेन द कैम्बर इज वेरी लेस, एक्सप्लेन कर दो सर, क्या बोले? स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रिफियर व्हेन कैम्बर इज वेरी लेस, अरे कैम्बर इज वेरी लेस क्वेश्चन ही तुम उठपटांग पूछ रहे हो। क्वेश्चन का मतलब यह है तुम्हारा, मैं जो समझ गया हूं, कि हम जब सीसी रोड पेमेंट यूज करते हैं पहली बार, या
अगर आपका कम स्पीड पर कोई डिजाइन स्पीड पर कोई रोड आप बना रहे हैं तो वहां पर हम स्टेट कैम्बर यूज कर सकते हैं। स्टेट कैम्बर का मतलब ऐसा नहीं है, स्टेट कैम्बर का आपके दिमाग में आता है ऐसा तो नहीं जा रहा है कि ये होता होगा स्टेट कैम्बर, फिर कैम्बर ही क्या हुआ, ये तो रोड हो गई, ये तो कैम्बर ही नहीं है ना। कैम्बर का मतलब एक क्रॉस स्लोप है, स्टेट कैम्बर तो ये थोड़ी है। स्टेट कैम्बर क्या है कि ये तुम्हारा पहले रोड का सरफेस था और आपने क्या कर दिया, ये दे दिया हल्का सा, ये तो आपको दिख रहा है ऐसा उठा उठा बहुत ज्यादा, ये बहुत कम अमाउंट में होगा ये स्लोप, समझ गए, लेकिन होगा जरूर, बारिश सीधे ड्रेनेज में आ जाएगा नालियों में। तो हम जनरली इसको प्रोवाइड करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं, बहुत कम अमाउंट का स्लोप होता है सीसी रोड में। किस रोड में? सीसी रोड में, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड में। फ्लेक्सिबल पेमेंट हम जनरली वो वाला करते हैं, ठीक है भाई। खैर इसका आंसर मिल गया जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द लेग डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, अज्यूम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.38 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर दिस इज 2.5। लेग डिस्टेंस निकालना दोस्त, और ध्यान रखिएगा लेग डिस्टेंस में सारा कुछ डेटा आपको दे रखा है। टू लेन टू वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन है, यहां पर भी आपको सोच के जवाब करना है। पहले आप जवाब करो ध्यान से, लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या हो रहा था लेग डिस्टेंस का, एलएल से डिनोट कर रहे थे इसको, लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 वी इनटू टीआर। करो कोशिश करो जरा, 0.278 वी आपके पास 47 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और रिएक्शन टाइम उसने लिखने के लिख के भी दे रखा है, तो निकालो इसको, कैलकुलेट करो जरा है कितना हो रहा है, लेकिन यहां पर लोचा है थोड़ा सा, बताओ पहले 32.64, इसको मल्टीप्लाई करना ट्वाइस करना 65 पॉइंट क्या 33 आ रहा है। अब क्योंकि यहां पर देखो ना हम एसएसडी तो चलो ठीक है, यहां पर तो खैर हालांकि आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला है, लेग डिस्टेंस बोल रखा है, लेकिन अगर ये माना एसएसडी होता, क्योंकि दोस्त ये सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन रोड है और टू वे ट्रैफिक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो साइड डिस्टेंस होता है मिनिमम साइड डिस्टेंस टू टाइम्स ऑफ एसएसडी करना होता है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि यही हो जाएगा फिर आंसर, लेकिन अगर कभी एसएसडी के हिसाब से होगा तो फिर ध्यान रखना इस बात का। चलिए, विद द विड्थ ऑफ कैरिज वे ऑफ द टू लेन रोड विद द रेज्ड कर्व एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी 2019 में आ रखा है, बोलो। कोई कैरिज वे है और उस टू लेन का कैरिज वे है और उसमें आपका कर्व भी लगा हुआ है, कितनी बार हटा दिया आपको पिछली क्लास में, तो समझ क्यों नहीं रहे हो तुम, लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हो क्या? ये तुम्हारे पास रोड की चौड़ाई है और उसमें साथ में ये तो तुम्हारे पास कैरिज वे है, इसको कैरिज वे बोलते हैं, सी लिख रहा हूं, इसके बाद शोल्डर भी हुआ होगा, शोल्डर के बाद आपने लास्ट में पत्थर लगाए होते हैं जो चिनाई करके, ये तो ये कर्व है, तो कर्व के साथ जब पूरी चौड़ाई जो हो जाती है कितनी होती है 7.5 मीटर, बिना कर्व के 7 मीटर, तो अभी आपका बी ऑप्शन है, तो जिन लोगों को पता नहीं रहा होगा किसी लोगों ने 7 मीटर भी कर दिया होगा, तो यही है वो कर्व के साथ। इसका जवाब करिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे डन फॉर द न्यू हाईवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। मैंने आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप क्वेश्चन को देखकर घबराओ मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, सब पढ़ा हुआ आपने, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, देखो 2020 में आ रखा है SHJ 2020 में आ रखा है, तो जब जो तुम पढ़ोगे वो सब एग्जाम में दिखेगा आपको, ऐसा मत सोचना कि हम जो पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, देखो ना सारे के सारे करंटली क्वेश्चन आजकल के। बोलो क्या तुमने सर्वे किया था हाईवे अलाइनमेंट का, रेलवे की बात नहीं कर रहा, हाईवे अलाइनमेंट डाला था तो सर्वे किया था, मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, अगर कभी भूल भी जाओ तो क्या बोला था कि मार पड़ेगी, किसकी, मेरी पड़ेगी, SHJ की नहीं मेरी पड़ेगी, तो मार मतलब मैप स्टडी, फिर क्या हुआ था रिकनेंसेस, फिर हुआ था प्रिलिमिनरी, और फिर क्या हुआ था फाइनल और डिटेल लोकेशन, इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपको तरीके से सब कुछ समझा रखा है, आप कभी गलत नहीं करोगे अगर सीरियस लोगे मुझे, तो ये लो सी ऑप्शन हो गया, तो लीगल और इलीगल दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये देखो हमने कहा था कि जब इंजीनियरिंग सर्वे आप हाईवे में करते हैं तो चार तरह के नाम आपको पता होने चाहिए, इसमें मैप स्टडी सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें हमने देखा था कि रिकनेंसेस दूसरा स्टेप होता है, तीसरे में प्रिलिमिनरी और फिर डिटेल सर्वे। मैप स्टडी में आपने देखा था कि एक डिटेल मैप तो नहीं बनाएंगे लेकिन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है उनको हटा करके मैक्सिमम नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम तो ऑब्स्ट्रक्शन हो
और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका यूटिलाइज कैसे हो पाए उस रोड का, इस तरीके से आप अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करते हो एक रफली मैप में। उसके बाद रिकनेसेंस में आप विजिटिंग करोगे उस जोन का, टोपोग्राफी देखोगे वहाँ का। प्रिलिमिनरी में आप कुछ कुछ सर्वेइंग कर देते हो, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हो, जैसे चेन सर्वे, कंपास, प्लेन टेबल, ये सब करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपका डिटेल में तो आपको DPR बनाना ही है, एस्टिमेट करना है, मटेरियल का एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट, सब कुछ करना है। ये चल रहे थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मेलेबल मटेरियल बट नॉट डक्टाइल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में हमने बताया था आपको, हम जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में देख रहे थे कि सर ऐसा एक मटेरियल है इन चारों में से, बताओ लेड है क्या, इसमें क्या था, मेलेबिलिटी थी, लेकिन ये खींच नहीं पाएगा। अगर इसको आप हैमरिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, थिन सीट में चेंज हो जाता है, लेकिन कॉपर को खींच भी सकते हो, थिन वायर में भी चेंज होगा डक्टिलिटी। अगर ठोकरोगे इसमें, हैमरिंग करोगे तो क्या होगा, थिन शीट में भी चेंज होगा, इसमें भी सेम, समझ रहे हो। मतलब कॉपर और स्टील दोनों में क्या है, डक्टिलिटी भी है और मलेबिलिटी भी है, तो समझ रहे होंगे चीजों को। बंप इंटीग्रेटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, बंप इंटीग्रेटर का यूज किस जगह पर आपने किया था बताओ, याद आ रहा होगा, अनइवननेस इंडेक्स। यस सर, वो जो गड्ढे वड्ढे हो रहे थे, डिचेज हो रहे थे रोडों में, वही तो था अनइवननेस इंडेक्स। वेरी गुड, बंप इंटीग्रेटर ये सिस्टम है किसके द्वारा यूटिलाइज या किसके द्वारा बनाया गया था, याद करो, CRRIA, सेंट्रल सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, मतलब कि कब हुआ था ये फॉर्मेशन, 1950। यस, नेक्स्ट, एज पर द IRC द SSD फॉर द, सॉरी एज पर द IRC रिएक्शन टाइम फॉर SSD 2.5 सेकंड, अभी इतनी बार डिस्कस कर लिया कि कितना सर 2.5 सेकंड कम टाइम लेंगे, और वो हमको नहीं दिया होगा तो तब ही लेंगे, नहीं तो जो दिया है वही लेंगे। SSD के लिए 2.5 सेकंड, OSD के लिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकंड आपको लेना है। मिनिमम स्पेस हेडवे अगर बात किया जाए दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 0.7, जिसको हम S से डिनोट करते थे ना, ये होगा आपके पास। उसके बाद PIEV पर, थ्योरी पर डिपेंड करता है SSD, या आप बोलेंगे SSD का जो लेग डिस्टेंस है LL, जो रिएक्शन टाइम है TR, उसमें जो निकालने के लिए, वो डिपेंड करता है इस पर। ये सारा काम आपने अभी नया नया पढ़ा है, ताजा ताजा हाईवे में। एज पर द IRC द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम है सुपर एलिवेशन फॉर द प्लेन टेरेन। 3-4 कंडीशन बताई थी, इसमें से प्लेन के लिए क्या था सर, बोलो। यस, 7% हो जाएगा। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं बनाया है, ये सब आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए 7% हो गया जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये तो मैंने आपको बताया दिया था कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, कि आउटर एज को आप क्या कर रहे हैं, इनर एज के रिस्पेक्ट में राइज कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, अर्बन एरिया है तो 4% हो जाएगा, प्लेन रोलिंग टेरेन है तो 7% हो जाएगा, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है तो 10% हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो 10% है, स्नो से बाउंडेड नहीं होगा, बर्फबारी नहीं होगी, स्नो नॉट बाउंडेड बाय स्नो। लेकिन कभी ऐसा आता है कि माउंटेनियस है बट बाउंडेड बाय स्नो, तो उसके लिए फिर से किसके तरह हो जाएगा, प्लेन के साथ, है ना, 7%। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है भाई कि मिनिमम सुपर एलिवेशन बताओ, तो जो हमारा कैम्बर ऑफ रोड होगा, रोड में जो कैम्बर दिया होगा किसी परसेंट का, आपने 2-3 जो भी दिया है, इसी के बराबर सुपर एलिवेशन भी रख देना, ये मिनिमम है अगर आप कहीं किसी रोड में देना चाह रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ द पॉइजन रेशियो फॉर द मटेरियल इज 0.5 देन इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज, अब आपको वो चार फॉर्मूले कौन सुनाएगा मुझे, तुम्हें बताओ, वो जो चार फॉर्मूले मैंने आपको रटाए थे, तीन तो ई के थे और एक था आपका म्यू का, कौन सुनाएगा जरा, ऑन द टिप्स किसके हैं चारों में से बताओ, किसी के नहीं, सब साफ पढ़ नहीं रहे हो ना तुम, खाली मतलब चल रहे हो केवल भरोसे भगवान के। मैंने कहा था कि ऑन द टिप्स होना चाहिए, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। 1-2 μ इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस व्हाट, 3K प्लस जी, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू, बोलो मैंने क्या बताया था कि 32 डाल दो, याद करने का तरीका 62 डाल दो, kg डालते जा रहो, kg डाल दे रहो, माइनस से प्लस, तो कहने का मतलब 3K-2G अपॉन 6K+2G, तो ये तो याद करने भाई, है ना, तभी होगा काम, नहीं तो तुम फिर भरोसे मत जाओ किसी के, भगवान के। तो कहने का मतलब है 0.5 आपको म्यू दिया है, और मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस में, और ये चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसमें रिलेशन देख के चलते हैं, इसमें
पहले वाले फॉर्मूले में, तो E इज इक्वल टू 2g 2g 1 प्लस 0.5। अब ये 1.5 हो जाएगा अंदर क्या, और 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ g, क्या E इज इक्वल टू 3g। तो आप देखेंगे यही रिलेशन बैठ जा रहा है, पहले वाले के साथ ही बैठ जा रहा है। लेकिन अगर कभी हो सकता है कि पहले वाले के साथ ना बैठता तो फिर ये वाला लगाना पड़ता, हालांकि यहीं पे बैठ गई कि ये पूछ ही रहा था कि इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस का मतलब ई होता है भाई, और जो शियर मॉडुलस होता है वो उसको हम बोलते हैं जी, वो इसलिए है क्योंकि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है ना ये, और ई क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, तो सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द स्पेस स्ट्रक्चर, बताओ कौन जवाब करेगा है? बताओ भाई, हाँ क्या है फोर, फोर का मतलब क्या क्या होता है, हाँ मतलब कुछ भी चल रहा है दिमाग में तुम्हारा, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तो पता ही नहीं है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहां पर कहीं मैंने लिखा है दूर दूर इलास्टिक कांस्टेंट, कहीं इलास्टिक कांस्टेंट लिखा है जो ई के जे चिल्ला रहे हो, अरे बात कर रहा है तुम्हारे पास रिएक्शन की, और रिएक्शन का मतलब किसी भी मैक्सिमम कंडीशन, हम फिक्स को लेके चलते हैं, सबसे बड़ी ज्यादा रिएक्शन इसी में होती है। आप 3D में देखते हो तो 3 रिएक्शन होती है, 2D में देखते हो, 3D में देखते हो तो 6 रिएक्शन होती है। स्पेस स्ट्रक्चर का मतलब ये था, स्पेस स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि मैक्सिमम रिएक्शन आपकी जो होती है 6 होती है, और जब आप बात करते हैं 2D के लिए जिसको आप प्लेन स्ट्रक्चर कहते हैं ये आपका 3 रिएक्शन होती है, स्पेस का मतलब 3D होता है। तो ये मैंने एक दिन डिस्कस तो किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं थे सर, और तुम लोग जो है जानबूझ के ऑप्शन गड़बड़ाया था मैंने, और तुम लोग गड़बड़ भी हो भी गए है ना। तो 6 रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक एफएक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफवाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0, ऐसे ही समीशन ऑफ मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, समीशन ऑफ मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, तब जाके होते ही 6 रिएक्शन, ये 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। जबकि 3D में, हालांकि इस 6D इसमें 3D में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बताया जरूर था, 3D में तो कई बार दिखाया भाई, भूल गए, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 एक्स वाला, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0 नहीं बताया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो इसमें तो 3 होते हैं, तो 3D में कितने हो जाएंगे, 3D में 6, तो 6 हो जाएगा ये, क्योंकि स्पेस स्ट्रक्चर बोला था, ध्यान रखना इस बात को, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और इवन अभी 2023 का क्वेश्चन है UKPSC का। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम आर, ये भी भाई 2022 वाले में आ रखा था आपके एग्जाम में UKPSC में, बताइए SSC का भी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम, बोलो कितना, कितना 0, क्योंकि कैंटिलीवर बीम के ऊपर कुछ भी चढ़ा दो आप, ये है कैंटिलीवर, इसके ऊपर तुम ये चढ़ाओ, यूडेल चलाओ, यूबीएल चढ़ाओ, हमेशा होना ही क्या है बीएमडी, ये ऐसा ही जाएगा, या तो ऐसा जाएगा, या तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, कुछ भी जाए, लेकिन कभी भी एक ऐसे सिचुएशन नहीं आने वाली इस दौरान, कभी भी ऐसे सिचुएशन आने ही नहीं वाली है जब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, क्योंकि दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की सिचुएशन कुछ ऐसे होती है, मतलब कुछ भी बीएमडी बन सकता है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो, तो कैंटिलीवर बीम में बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम बोलता, प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम बोलता, तो उसके बाद दोस्तों जब लोड आता है तो बीएमडी इसका जाता है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, जैसे ही बन गया, ठीक है, इसमें 0 होगा, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आता ही नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जवाब करो लगे हाथ, फिगर दिख रहा है सबको, चलो बताओ, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें पॉइंट, उसमें एक पॉइंट डी पर जो है आपका कपल भी लग रहा है 120 किलोमीटर का, और सी पॉइंट पर आपके पास क्या लग रहा है, बल्कि मैं आपको इधर बता देता हूँ इस फिगर को, ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उतना सोम में आपको जो है ना इतने तरीके से बता रहा था और फिर यहाँ पर भी बताऊँ, ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पर ये जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी क्लास में, वो आपका केवल कॉन्सेप्ट चलेंगे और थोड़ा सा वो रिवाइज होगा बस, सी और ये हो गया आपका डी और ये हो गया बी, ये डिस्टेंस दोस्तों यहाँ ए से लेकर बी तक, ए से लेकर सी तक 4 मीटर, सी से लेकर डी तक 2 मीटर, और डी से लेकर बी तक भी 2 मीटर है। यहाँ पर एक मोमेंट है डी पॉइंट पर 120 किलोमीटर मीटर का। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को याद करो, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैंने करा रखा है,
और सही बताएं तो इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो, भूल गए हो, तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप भूल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अभी हाईवे में ज़्यादा फोकस करें तो सोम भूल गए होंगे कई हद तक, तो लगा सकते हो आप आर ए आर भी जो भी है, लेकिन प्रोसीजर पता होना चाहिए। अगर आप प्रोसीजर भी भूल गए, ट्रिक भी भूल गए, तो फिर समझो तुम्हारा को तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन आंसर आना चाहिए। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स लगाओ, आर ए आर बी इज इक्वल टू लगाओ, फिर समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए लगाओ, आर बी से शुरू करो सारी कहानी, वही सब याद आनी चाहिए। तो आपका एक रिएक्शन आ जाएगा, जब एक आ जाएगा तो दूसरी वाली जो आपने पहली बनाई इक्वेशन आर ए प्लस आर बी वाली, उसमें डाल के आ जाएंगी दोनों रिएक्शन, क्योंकि ए पर रिएक्शन पूछा है, पूछा यहाँ पर है ये वाली रिएक्शन आर ए। दोस्तों लेकिन मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मेरा सारा का सारा प्रोसेसिंग बताया हुआ है। ट्रिक क्या होता है एग्जाम में, किस तरीके से करना होता है। दोस्तों जब मैं आपको सोम पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, जब मैं रिएक्शन निकालना सिखा रहा था, तो मैंने कहा था कि इसमें क्या ट्रिक लगानी होती है, जो बच्चे समझदार होते हैं वो किस तरह से सेकंडों में आंसर निकालते हैं। तो देखो देखो, यहां पर दो कंडीशन आ रही होंगी। एक कंडीशन ये आ रही होगी कि सेंट्रिक लोड है एल बाय टू और एल बाय टू, आप फिगर को देखेंगे पहचान लोगे। और एक कंडीशन ये आ रही है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद द कपल ऑफ एम। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता था कपल वाले में, याद है डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ट्रिक याद आ रही है, डाउनवर्ड जाएगी क्या, तभी तो घुमाएगा ये। तो मतलब ये माइनस का एम बाई एल और ये वाला एम बाई एल। एल कितने का है पूरा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी की थी, वहां देखो चार और दो चार और चार 8 मीटर का, तो ये तो हो गया आपका। एम कितने का है बताओ, 120 किलोमीटर मीटर, वेरी गुड। यहां पर बताओ सर L बाई टू का मतलब ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। W कितने का सर, बोलो देखो उधर 50 का। क्या याद है आपको कि ये रिएक्शन कितनी होती, कि न्यूटन का लॉ लगता था, और न्यूटन का लॉ क्या करता था, ये W बाई टू ये क्या और W बाई टू। तो कहने का मतलब जब आप A पर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देखो A पर जब रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो दो तरह का इफेक्ट आएगा, एक तो पॉइंट लोड का और एक रिएक्शन का भी, इसके भी। तो आप बोलेंगे W by 2 होना चाहिए सर, और ये वाली रिएक्शन क्योंकि नेगेटिव की है तो माइनस का M by L होना चाहिए क्या। और अगर मैं कहूं कि सर RB भी बताओ, तो RB भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे W by 2 तो होना ही चाहिए, इधर वाला रिएक्शन ये देखो ना, ये वाला पॉइंट और इसका इफेक्ट प्लस या माइनस, हो गया दोनों रिएक्शन लगे हाथ मिल गई। तो ये हो गई ट्रिक। अब आप लगाते जाओ, अगर आपको ये भी समझ तब भी नहीं आया है तो आप लगाते जाओ, समझ सब वो भी बता रखा है। तो W by 2 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 50/2 माइनस का एम बाई एल का मतलब 120/8। तो आप बोलेंगे जी बोलो जल्दी से, आप कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करो इसको, एल का मतलब 8 ही है ना, हाँ बोलो इसको सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, हैं ये हो गया आपका 25 और इधर कितना हो गया 120/8 15, तो ये तो हो गया आपका 10 इधर वाला। इधर बोलो RB is equal to, सीधे क्या सोचते हो, 25 में 15 जोड़ दो, 25 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, हाँ 40। तो आगे आपका आर ए आर भी कुछ भी पूछे आप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं ये एग्जाम में, और ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। गेज लेंथ बताया था आपको, गेज लेंथ आपका किसी मेंबर का वो लेंथ जितने पर, किसी भी टेस्ट पीस का वो लेंथ जिस पे आप एक्सटेंशन को मेजर कर रहे हैं, जितने पर आप एक्सटेंशन को मेजर कर रहे हैं, जिसको हम कहते थे L, स्मॉल L से डिनोट कर रहे थे, और ये होता था आपका 5.65 अंडर रूट ऑफ A, और A उसका डायमीटर होता था कि नहीं होता था, तो 5.65 अपॉन अंडर रूट में रखेंगे आप पाई बाई 4 ऑफ D स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा वैल्यू कितना आता था ये बताओ, 5 टाइम्स ऑफ D आता था। तो आप बोलेंगे सर डायमीटर के टाइम्स में आएगा वो 5। चलिए कब कौन फेलियर किस में आता था, कुछ याद है, माइल्ड स्टील में आता था, याद है सबको, तो माइल्ड स्टील में आता था, मैं ज्यादा नहीं ले जा रहा इसमें। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट, याद करो इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, यस। और अगर आपका फेलियर तक हो तो टफनेस, यस सब बता रखा आपको, बहुत तेज हो गए। विच ऑन द एग्जाम्पल विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, अब बताओ भाई यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कौन नहीं है डिटर्मिनेट बीम, कौन नहीं है वो बताना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी, कौन नहीं है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। सर कैंटिलीवर बीम कितना रिएक्शन, सर डीएस इज इक्वल टू 0। सिंपली सपोर्टेड बीम सर बोलो जल्दी से
अब यहां पर थोड़ी ना मैं सारी कहानी बताऊंगा, फिर फायदा क्या है बताओ। ds इज इक्वल टू जीरो को ओवरहैंग बीम ये हो या ऐसा हो, एक ही बात है। बोलो कितना ds यहां पर भी जीरो, इसमें बताओ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कितना रिएक्शन, चार होती थी, चार में से तीन के तो एक होगा, मतलब ds नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन हो गया सर आंसर, ये तुम्हारा डिटर्मिनेट नहीं इनडिटर्मिनेट बीम होगा। ठीक है, ये सारी आपको बता रखी है चीजें। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल इन होल स्पैन शेप ऑफ दी एसएफडी, शेप ऑफ दी एसएफडी, बोलो जल्दी से। कैंटिलीवर बीम है, तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो, कैंटिलीवर बीम है और उसमें यूडीएल लगाया, याद करो क्या होगा शेप है, क्या होगा शेप, बोलो याद भी है तुम्हें कि कैसे बनता था इसका शेप, याद ही नहीं होगा शेप कैसे बनता था, बीएमडी का शेप कुछ ऐसा जाता था, और ये क्या नेचर का होता था, वैसे भी देखे हैं तो लोड किस लोड किस डायग्राम किस में होता है, जीरो डिग्री में। एसएफडी क्या बताया था आपको कि जीरो में एक और जोड़ना पड़ेगा एक डिग्री में, तो बीएमडी तो 100% किस में हो गया, ये टू डिग्री में। आपको बताया था कि लोड अगर एन डिग्री का होगा तो एसएफडी आपका एन प्लस वन डिग्री एक जोड़ दो, और बीएमडी आपका एक और डिग्री जोड़ दो एन प्लस टू। अब आपका यूडीएल ऐसा होता है, यूडीएल लोड जो है ऐसा होता है, मतलब स्लोप जीरो डिग्री, तो आपका एसएफडी वन डिग्री एक और जोड़ दो, बीएमडी क्या हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, क्या पूछा है, एसएफडी पूछा है, एसएफडी क्या हो जाएगा फिर, अच्छा ये शेप ही पूछा है, पर अगर कभी बीएमडी भी पूछे ना भाई तो क्या करोगे आप, पैराबोलिक। चलो मैं बता देता हूं, बीएमडी पूछा है नहीं है तो एसएफडी बताओ। चलो एसएफडी की कहानी है, एसएफडी क्या बनता था इसका, बनेगा बनेगा क्या बनेगा, तो ये तो आपको पता लग गया कि सर एक डिग्री का होना है उसने, ये तो पता लग गया, एक डिग्री के हिसाब का मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ऊपर जाता है या नीचे जाता था, ये भूल गए क्या, अरे भूल गए हैं, यहां पर ही जाता था ये डब्ल्यू एल का ऊपर, और ये फिर ऐसा आता था, और ये आपका एक डिग्री होता था एक्स पावर वन पॉजिटिव का, तो ये क्या होता है ट्राइंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द स्लाइडर द नंबर ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लाइडर, याद है लास्ट मैंने बताया था कि स्लाइडर की कहानी, बोलो कितना स्लोप सॉरी कितना नंबर ऑफ रिएक्शन स्लाइडर, स्लाइडर कुछ ऐसा करके बताया था मैंने, ये ऐसा ऐसा करके, और ये था स्लाइडर, इसमें आपके कितना रिएक्शन आता है सर, बोलो एक तो कौन सा, हाँ दो कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल भी आता है यस, और एक मूवमेंट की रिएक्शन भी आती है, तो आपके एक मूवमेंट का रिएक्शन एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो कितना रिएक्शन हो गया सर, दो रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा आपके स्लाइडर में दो रिएक्शन आती है, नंबर ऑफ रिएक्शन इन द स्लाइडर दो, खत्म। चलिए नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, याद करो इन होल स्पैन एसएफडी, ये कर तो नहीं दिया अभी, हो गया ना, ये कर दिया है। नेक्स्ट, ये तो हो गया यार, ये बताओ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैलकुलेट रिएक्शन एंड मूवमेंट, याद करो अब जरा, तुम्हारे वैसे तो ये टिप्स में होने चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सर कैंटिलीवर बीम है, इधर देखो कैंटिलीवर बीम है, ये देखो, और इसमें क्या है सर, यूडीएल है पूरे में, यूडीएल है पूरे में, अगर आपको याद हो तो ये कुछ और नहीं, ये आपका चेंज होता था डब्ल्यू इंटू एल होता था, ये लोड टोटल हो जाता था क्या डब्ल्यू इंटू एल, और स्पैन के बीच में लगता था क्या, ये याद आ रहा है कुछ, तो ये मूवमेंट रिएक्शन तो वही हो जाता था जो लोड था, तो रिएक्शन तो सीधे सीधे हो गया कौन सा सर डब्ल्यू इंटू एल, तो इसके हिसाब से ये वैसे ही गया, इसके हिसाब से वैसे ही गया, ए पर आ रहे हैं, लेकिन अभी पहले इसको प्रूफ करते हैं। मूवमेंट बताओ यहां पर मूवमेंट कितना आ जाएगा सर, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, तो डब्ल्यू इनटू एल इनटू एल बाय टू, क्या तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, तो ऐसे ही करना है भाई एग्जाम में, ऐसे ही करना है, इतना इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है, काम हो गया खत्म। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूवीएल हो रहा है, अब यूवीएल की बात करेंगे, फिर से दिमाग लगाओ फटाफट से, भूल भी जाते हो ना अगर ये चीज, मैंने आपको ऐसी मजबूत चीज बताई है ना दोस्त, अगर आप भूल भी जाते हो क्योंकि भूलना नेचर है इंसान का, तो आप तुरंत सेकंडों में जवाब कर दोगे। देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर है सर, फिक्स्ड में मैक्सिमम इंटेंसिटी है, बताया था क्या इसका केस, इसका एरिया ले लो एल और डब्ल्यू था, एरिया क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब क्या डब्ल्यू एल बाई टू, यहां से कितनी दूरी पर बोलो एल बाई थ्री, कितना हो जाएगा मूवमेंट बताओ, दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई थ्री, दैट मीन्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, तो इसके हिसाब से तो यही जा रहा है सीधे सीधे मूवमेंट एट द फिक्स एंड, तो कहते हो कितने सेकंडों में आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी नहीं खुद से बनाए हैं, इसका जवाब करो तुरंत, यहां पर उसने उल्टा कर दिया बस,
उल्टा ये कर दिया है, क्या कर दिया इधर फिक्स को, ये देखो फिक्स की जगह नहीं लगाया है, इधर लगाया जी मैक्सिमम। ये देखो मैक्सिमम लिखा है ना उसने, मैक्सिमम इंटेंसिटी है फ्री एंड, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्री एंड का मतलब क्या है, फिर से क्या कर दोगे अब, इधर किस साइड क्या करेगा, लोड पड़ेगा, लोड इसी का एरिया पड़ेगा, एल इंटू डब्ल्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो डबल एल बाई टू, ये वाली डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू एल बाई थ्री क्या, तो टू एल बाई यहाँ के एक अबाउट ले रहे हैं ना आप, तो बोलिएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू टू एल बाई थ्री, दैट मीन्स टू से टू कैंसल, टू डबल एल स्क्वायर बाई थ्री, जो कि आंसर होगा डी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो डबल एल स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, क्योंकि आप एक अबाउट लेंगे ना मूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लेड एट द फ्री एंड, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बीएमडी, याद करो जरा जल्दी से, दिमाग में लगाओ तुरंत जवाब। कैंटिलीवर बीम है, आपको याद होगा कैंटिलीवर बीम, और इसमें पॉइंट लोड लगा है फ्री एंड पर डब्ल्यू का, बीएमडी याद आ रहा है, सबसे पहले तो आपका डब्ल्यू से ऊपर उठेगा, फिर कॉन्स्टेंट चलेगा, ये तुम्हारी बेस लाइन है, देखो मैं बता देता हूँ, याद करा देता हूँ आपको, पहली बात तो रिएक्शन बताओ कितने का आएगा, डब्ल्यू का ही रिएक्शन होगा यहाँ पर क्या, यस सर, तो आप बोलेंगे ये बेस लाइन बना दिया, W से ऊपर उठाओ, फिर कांस्टेंट चलो, और उस पर फिर जंप ड्रॉप डाउन कराओ, तो पॉजिटिव का होगा क्या, ये क्या बना SFD, BMD बताओ, बोलो सर, नीचे जाएगा कितने का, W into L का, और बिल्कुल रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा, तो BMD will be triangle and SFD will be rectangle। चलिए, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज कपल एट द फ्री एंड शेप ऑफ BMD, बोलो जल्दी से जवाब करो। सबसे पहले तो मैं फिगर बना देता हूं कि आपके पास कैंटिलीवर बीम है, बहुत अच्छे से आपने बना दिया कैंटिलीवर बीम, और इसमें क्लॉकवाइज कपल लगा दिया फ्री एंड पर एम का, बोलिए जी एसएफडी, तो आप जानते हैं कि जीरो लाइन आता है इसका, सबको याद आ रहा है, कोई शियर फोर्स आई नहीं, कोई फोर्स आई नहीं, तो जीरो लाइन। बीएमडी बताओ दोस्तों, यहां पर भी जो मूवमेंट आता है इसी के वजह आएगा ऐसे ही, तो आपको नीचे जाएगा क्या, और रेक्टेंगल बनेगा क्या नेगेटिव का एम नाम का, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन सर। चलिए, स्लोप ऑफ SFD एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू दी, बोलो स्लोप ऑफ SFD, दैट मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ SFD का मतलब है ये बात कर रहा है डी, हाँ बोलो DB/DX, ये किसके बराबर हो रहा था भाई, W के ना, और DM/DX तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, लोड इंटेंसिटी, तो DB/DX इज इक्वल टू W, लोड इंटेंसिटी के बराबर होगा। अभी आया होगा एक क्वेश्चन उसी पर आधारित, देखो ये देखो, स्लोप ऑफ BMD एट एनी सेक्शन, दैट मींस DM/DX इज इक्वल टू, बोलो ये क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, तो इनको तो कुछ गलत करना ही नहीं है कभी जीवन में, तो DM/DX ये सब एग्जाम के हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए, लेकिन कभी क्या एग्जाम, हर एक एग्जाम में क्या होता है कि कुछ परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी, तो ये वो वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी गलत करोगे तो समझ जाओ फिर कितने पीछे हो जाओगे। चलिए, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज कपल ऑफ 40 किलोमीटर मीटर एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, देखो कितने लोग पहले इसका जवाब करते हैं, पहले मैं फिगर आपके लिए बना देता हूं, आपके लिए इजी कर लेता हूं थोड़ा, वैसे तो आपको खुद ही पढ़ना था ये, कोई बात नहीं, देखो ये क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बना दिया, कंसंट्रेटेड क्लॉकवाइज है, 40 किलोमीटर मीटर का कपल है, और डिस्टेंस 2 मीटर पर है, जबकि पूरी लेंथ कितने की है सर, 10 मीटर की है, लेकिन 2 मीटर पर एक स्पैन है एंड ए से, कितने का सर, 40 किलोमीटर मीटर का स्पैन पर एक मतलब कि मूवमेंट लग रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द लेफ्ट से वो लिखा दिया, टोटल स्पैन 10 मीटर का, रिएक्शन एट द राइट सपोर्ट, सर राइट सपोर्ट मतलब ये आरबी निकालना है दोस्त, कौन निकालेगा जल्दी बताओ, आरबी निकालना है, जल्दी निकालो, आरबी निकाल के बताओ मुझे, आरबी का वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी आरबी, आरबी में भी इतना समय लगा रहे हो क्या तुम लोग, मतलब फिर तुमको पढ़ा के कोई फायदा नहीं हुआ है, तुमसे अच्छा मैं किसी मिस्त्री को लाता, उसको पढ़ा देता, सेकंड में जवाब कर देता, RBG = 4, हैं? तुमको पढ़ा के कोई फायदा नहीं हुआ है, वैसे ही बताऊं तो, एक मिस्त्री को लाता, उसी को पढ़ाते तो वो जवाब कर देता तुमसे पहले, मैंने कहा था कि जब कुछ भी हो जाए कोई भी एम लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, तो आपका ये भी M/L रिएक्शन होगा, और ये भी M/L हो गया, खत्म। अब सवाल यह है कि आपका कौन माइनस होगा और कौन प्लस होगा, वो तो बात की बात थी, इतना इजी था ये, इसमें तो माइनस प्लस भी नहीं देखना था, ये नीचे आता था और ये ऊपर जाता था, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो M/L का मतलब क्या, 40/10, तो कितना होता है 4, तो बताओ एक्सेप्ट करते हो कि कोई भी मिस्त्री बता देता, करते हो कि नहीं करते हो, हाँ बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ BMD ये तो आपने कर दिया, ये भी कर दिया, आगे बढ़ते हैं, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स, बोलो अब इसका, अब ये क्वेश्चन आपके पास ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ BMD डायग्राम गिव्स,
ये एक्चुअली में कंजुगेट बीम मेथड का एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, तो ये याद रखना, किसी भी बीम में जो स्लोप देता है बीएमडी का, ठीक है ना, स्लोप ऑफ बीएमडी डायग्राम गिव्स, तो हम बोलेंगे हैं शियर फोर्स, ठीक है ना, शियर फोर्स। अच्छा ये वो वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, मैं सोच रहा था कंजुगेट बीम वाला है, ठीक है ना, ये डीएम बाई डीएक्स वाला है, कंजुगेट बीम वाला आता है वो अभी आगे आएगा उसमें समझा दूंगा। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू क्लॉकवाइज कपल एट द फ्री हैंड शेप ऑफ एसएफडी, बोलो कैंटिलीवर बीम है उसमें क्लॉकवाइज कपल लग रहा है फ्री हैंड पे, तो आप एसएफडी का शेप क्या बोलोगे, बोलो ये तुम्हारे पास क्लॉकवाइज कपल है तो शेप ऑफ एसएफडी, हाँ रेक्टेंगल ना, हाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा, जीरो लाइन, हाँ यही करना, मैं तभी तो कह रहा हूं तुम बार बार मजबूर कर रहे हो मुझे कि मुझे मजदूर को उठाने के लिए पढ़ाने के लिए। वाटर फॉर द इरिगेशन कैन कम फ्रॉम दी इरिगेशन, वैसे तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपके जीवन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, हमने कहा है कि कभी भी आप इरिगेशन करते हो सिंचाई करते हो तो आप कितने तरह के सोर्स देखते हो सिंचाई करने के लिए, दो तो आपके दिमाग में होंगे, एक होता है सर सरफेस सोर्स जैसे कि नदी वाला सोर्स है, अरे नदी का पानी छोड़ दिया खेतों में, और एक होता है सब सरफेस सोर्स, जो कि कौन सा सोर्स होता है जो आपने देखा होगा मैदानी क्षेत्रों में बोर वेल से आप पानी ले जाते हैं, ट्यूब वेल वगैरह, सुना है कि नहीं सुना है, देखा भी होगा। लेकिन एक और सोर्स होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स, अब ये नहीं सुना था आपने तो इसने ध्यान रखना, ये जो कन्वेंशनल सोर्स है उसको मिला के तीन सोर्स होते हैं किसी भी सिंचाई करने के लिए, और वो तीसरा सोर्स क्या है कन्वेंशनल सोर्स उसको समझो। कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स होता है, जब हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ेंगे उसको, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर का मतलब होता है कि ये जो सरफेस, ये तो है नदी, नदी का पानी आपने किसी कम्युनिटी को दिया, किसी शहर को दिया, शहर ने इसको खाया पिया और निकाला, इसको बोलते हैं वेस्ट, सीवर के माध्यम से आपने देखा होगा। ये वेस्ट क्या होता है कि फिर से सोर्स में जाता है ये पानी भी, पता है आपको, जो आपकी मेट्रो सिटी होती है उसमें सोर्स में जाता है, लेकिन ऐसे नहीं जाता, ऐसे नहीं कि सीधे डाल देंगे, उसको भी पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या किया जाता है ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसका बीओडी 20 मिलीग्राम पर लीटर तक ले जा करके तब इसको सिंचाई में यूज किया जाता है, और उसी को बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स, क्योंकि सिंचाई में भी डायरेक्टली गंदा पानी करोगे तो वो खाएंगे हमें ना, इसलिए सिंचाई में तब करते हैं जब इसको 20 मिलीग्राम पर लीटर तक ले जाओ, तब इसको इरिगेशन में करते हैं। आप हरियाणा इधर की तरफ जाओगे तो वही पानी चल रहा होता पूरे, वही हम खा रहे होते हैं, फिर वही आता देहरादून भी है, खैर उसको ट्रीटमेंट करके दिया जाता है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो एक सोर्स मिल गया आपको कन्वेंशनल सोर्स, यहाँ पे लिखा होगा मैंने इसके बारे में, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स जिसको कहते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे लिखा है भाई इसके बारे में, ठीक है पढ़ लेना, द सोर्स ऑफ वाटर इरीगेशन कैन बी ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर तुम्हारा वो जो नीचे से पानी खींचते हैं, एक हो गया सरफेस वाटर नदी वाला, और ग्राउंड वाटर देहरादून में तो आप देखो ना मैक्सिमम लोग ग्राउंड वाटर ही तो पीते हैं हर एक घर में, आप देखो मेरे घर में वही लगा है, कुछ कुछ जगह पे तो सप्लाई का पानी आ भी जाता है, लेकिन घर मैक्सिमम जगहों पर क्या है सबने मशीन लगा रखी, ठक बटन दबाओ तो पानी कहाँ से आ रहा है, चमत्कार हो रहा है, कोई नीचे क्या लगी है वो लगी है आपकी बोरिंग करके क्या कर रहे हैं पाइप डाल रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं फिर सक्शन करके निकाल रहे हैं, तो वो वाटर टेबल का पानी आ रहा है ना, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको ग्राउंड वाटर। तो हम सिंचाई के लिए भी बहुत जगहों पर आप मैदानी क्षेत्र में जाओ तो ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं, लेकिन ये वाला सोर्स जो है तीसरा वाला नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है उसको देखो, द नॉन कन्वेंशनल सोर्स आर द ट्रीटेड वेस्ट वाटर ड्रेनेज वाटर फॉग कलेक्शन, ये सारी चीजें आती है उसमें। चले जी, प्रिंसिपल केमिकल कंपोजिशन कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन द आर्गनिसर, देखो रॉक हम लोग पढ़ेंगे भाई बीएमसी में, बहुत मजबूत चैप्टर है, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बीएमसी भी आता है थ्योरी वाले में, क्योंकि उसका वेटेज आप कोई भी एग्जाम लगा लो, कोई भी वेटेज किसी भी एग्जाम को लगा लो, एसएससी लगाओ यूकेपीएससी लगाओ, सबसे ज्यादा आता है बीएमसी, तो पढ़ेंगे हम उसको भी, टेंशन ना लो। प्रिंसिपल केमिकल बोलो, आर्गिलिशियस रॉक है तो इसमें हमारे पास आर्गी का मतलब क्ले से होता है, और क्ले का मतलब ही एल्यूमिनियम वाला कंटेंट क्ले में होता है, ठीक है ना, हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर करा देता हूँ, जब हम आप बताते हैं एक केमिकल क्लासिफिकेशन, भाई रॉक जो हमारा चट्टान होता है उसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, एक जियोलॉजिकल, ठीक है ना, एक होता है फिजिकल और एक केमिकल। जियोलॉजिकल में आपने सुना होगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मेटामॉर्फिक, और जब हम आते हैं फिजिकल वाले में तो उसमें होता है आपका एक होता है कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्तरित जिसको बोलते हैं, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, एक होता है फोलिएटेड, और जब हम केमिकल में आएंगे तो उसमें आएगा आर्गिलिशियस, कैलिक्रियस और सिलिशियस।
वही हमें पूछा गया था। आर्गनेलिस में वो होता है रॉक जिसमें कि एल्यूमिना जब सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें देखा गया है कि जो एग्जाम्पल है स्लेट हो गया, लिटराइट हो गया, केओलाइट हो गया। सिलिसियस में सिलिका जिसमें ज्यादा हो, SiO2 सिलिका, तो ग्रेनाइट, नीस, ट्रैप, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट इनमें सबसे ज्यादा होती है, इसके एग्जाम्पल। कैलिक्रियस में कैल्शियम जिसमें ज्यादा हो, मार्बल स्टोन सुना होगा आपने, लाइम स्टोन सुना होगा, डोलोमाइट, तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये मैं आपको वहां पर भी डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। सॉइल में भी आपने ताजा ताजा पढ़ा होगा कि हम लोग अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ लिया, तो अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? नहीं पढ़ा। तो अर्थ प्रेशर थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया एक एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा, एक आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन होगी, और एक पैसिव अर्थ प्रेशर कॉफिशेंट होगा। तो वहां पर सबसे कम कौन है, कम फिर ज्यादा कौन है, इस तरह से आपका ग्राफ होता है। एक ग्राफ की बात करेंगे यहाँ पर, ये ग्राफ आपको दिखाता है कि सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो होता है पैसिव वाला, ये वाला पैसिव, ये वाला। ये प्रेशर क्या होता है ना, कि कोई रिटेनिंग वॉल है, जो दीवार है मतलब, ये, और यहाँ पीछे सॉइल है, ठीक है ना, ये सॉइल है। जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा जो सॉइल नीचे गिरती है तो उसको रिटेन करने के लिए, है ना, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं आप, तो ये सॉइल इधर। तो दोस्तों अगर इस दीवार के द्वारा, ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है ना, RW लिख रहा हूँ, P फॉर होता है पीछे, दीवार के द्वारा पीछे की तरफ प्रेशर लग रहा है तो इसको बोल देंगे पैसिव, और अगर इस दीवार पर सॉइल के द्वारा आगे की तरफ लग रहा है, ए फॉर आगे, और इसी को बोला जाता है एक्टिव, ए फॉर आगे, ए फॉर एक्टिव। तो क्वेश्चन आता है कि दीवार के अवे अगर कोई प्रेशर लग रहा है तो उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, तो एक्टिव, पीछे की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द वॉल या टुवर्ड्स द बैकफील्ड, टुवर्ड्स द सॉइल, सॉइल की तरफ ही जो प्रेशर लग रहा है तो क्या हो जाएगा वो पैसिव। अवे फ्रॉम द सॉइल, अवे फ्रॉम द सॉइल या आगे की तरफ, तो क्या होगा एक्टिव। अगर आपका प्रेशर लग रहा है, तो आपकी जो वॉल है एट रेस्ट कंडीशन है, तो उस समय हमारे पास पी नॉट आता है। तो ये देखा गया भाई कि सबसे बड़ा तो होता है पी पी, फिर होता है आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन पी नॉट, और सबसे छोटा होता है कौन सा, पी एक्टिव, ठीक है ना, ये लिखा भी देखो, पी एक्टिव में मूवमेंट अवे फ्रॉम द सॉइल, मूवमेंट टुवर्ड्स द सॉइल, देखो, और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो सबसे बड़ा कौन सा मिल गया भाई, बताओ सबसे बड़ा कौन सा, पी पी। तो उसके हिसाब से यहां पर दिमाग लगाओ, क्योंकि दोस्तों जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ये के, मैंने हालांकि के टर्म्स में लिखा है, क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसको, तुम लोग सॉइल में पढ़ोगे, तो के ए इंटू गामा इंटू जेड होता है, ये सॉइल का डेंसिटी, ये डेप्थ होता है। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए क्या? तो इसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सर के पी सबसे बड़ा होगा, फिर के नॉट होगा, और फिर के ए होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप देखेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, है बी होगा ना, हाँ बी होगा, सी होगा ना, हाँ। नेक्स्ट, ये तुम्हारा इरिगेशन का क्वेश्चन है, SSJEE 2019 में आया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन आपने हालांकि पढ़ा नहीं है ना तुमने अभी, इरिगेशन में हम लोग करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई प्लांट को, जब हम इरिगेशन सिंचाई पढ़ेंगे तो प्लांट को, जो हम पौधे को पानी देते हैं तो हम एक अमाउंट तक देते हैं, और वो अमाउंट होती है सर, उसको बोलते हैं अपने टेक्निकल टर्मोलॉजी में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अगर आप इससे नीचे तक का वेट करोगे पानी देने का, तो ये फिर पौधा हमारा ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे आपको गमले का एग्जाम्पल हो, गमले को 6-7 दिन तक तो चलो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद खूब इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है बढ़िया है, उसके बाद देखा होगा आपने वो सूख जाता पेड़। इसलिए देखा गया है कि हमारे पास जो कंडीशन ये कहती है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है, आप ठीक है पानी दो इसको, इसको ये पहले पानी दिया होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, खूब अच्छे तक फील्ड कैपेसिटी, उसके बाद वो पानी का यूज करेगा पौधा, यूटिलाइज करेगा, और तो ये नीचे आ जाएगा पानी, उसको बोलते हैं OMC तक, इससे नीचे मत आने देना, फिर आपको पानी देना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद सूख जाएगा, यूटिलाइज कर लेगा, OMC तक का ही वेट करना है। ऐसा नहीं है कि PWP तक का वेट करना, इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यहां तक का वेट मत करना, ठीक है। अगर यहां तक का वेट करोगे कि इतना दिन का, तो फिर वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, OMC तक का, फिर पानी दोगे, फिर पानी का यूज करेगा, फिर पानी दोगे, इसको बोलते हैं, पूरा फिनोमेना कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो ये कर्व जो था ये किसका था, मतलब कि ये जो ग्राफ था ये किसका था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। खैर इसको हम इरिगेशन में समझाएंगे आपको। चलिए हाईवे का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपने बिटुमिन सुना है कि नहीं सुना है, सुना है कि नहीं सुना है बिटुमिन?
अब बिटवीन में क्या होता है भाई, ग्रेड लिखे होते हैं, जैसे कि A30 लिखा है, A40 लिखा है, कुछ इस तरह से। जब A लिखा हो इसका मीनिंग क्या होता है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जब आप इंजीनियर बनोगे तो आपके पास बिटमिन होता है, तो A का मतलब होता है आसाम, आसाम में जो पेट्रोलियम है वहां से वो जो आ रहा है बिटमिन, क्योंकि वैसे भी बिटमिन आप जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ए का मतलब समझ जाओगे कि आपका आसाम पेट्रोलियम से ये बिटामिन बन के आया है। अगर ए ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, एस वैस कुछ लिखा हो, तो वो हमारा आसाम से अलग जगह से आया हो किसी से। अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये काफी लोगों को पता भी होगा लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, बताओ, बता सकते हो वैसे? नहीं बताओ? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। तुमने मेरी क्लास करी थी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की, पीछे नहीं करी किसी चैनल में, 10 10 दिन का जो क्लास चला था UKPSC JEE वाला, उसमें मैंने एस्टिमेट कराया था एक दिन में, थ्योरी थ्योरी बढ़ाया था मैंने, अपने नोट्स को लेकर दिखाया था मैंने, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराया था। देखा था तुमने वो वाला क्लास? नहीं देखा होगा ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सोलिंग क्या होता है, सोलिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोई ये नीचे सॉइल है, अभी सॉइल क्या होता है बहुत कमजोर होती है ना, थोड़ा सा खोदते हैं इसको, मतलब कि ये सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कमजोर है, धारण क्षमता कमजोर है। अब इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसकी धारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसको खोदेंगे और इसमें एक लेयर हम ब्रिक सॉइलिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक की लेयर बिछा देंगे। अभी बताऊंगा, अभी फिगर बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, पहले अभी समझो पहले तरीका। ब्रिक का पूरा एक लेयर, जितने भी आपको फाउंडेशन बनाना है ये स्ट्रक्चर, इतने में पूरे खुदाई करके कुछ दूरी तक आप क्या करेंगे, एक लेयर या दो लेयर जो भी है क्या बनाएंगे, ये क्या हो गया, ब्रिक हो गया, चिनाई उसके साथ, मोटार के साथ, ठीक है। उसके बाद अब आपके आगे की प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि आप पहले क्या करते हैं, कंक्रीट का लेयर डालते हैं, है ना, फाउंडेशन बनाना समझते हो ना, फिर कंक्रीटिंग करते हो, फिर आपका आगे ऑफसेट वगैरह जो भी आप कर रहे हैं तब आपके काम होगी आगे की। इसको बोलते हैं सर सोलिंग। अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट का मतलब कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, स्टिफ नहीं है, ठीक है, वही है। अब देखो कैसा होता है सोलिंग, ये देखो, ये यहाँ पर आपका, ये तो तुम्हारे पास, देखो नीचे अगर आपकी कोई सॉइल, ये वाली लेयर देखेंगे आप, सबसे निचला लेयर पहले ब्रिक का बिछाया जा रहा है, उसके बाद कंक्रीट बिछाया जाएगा, देन आपका फाउंडेशन से ऊपर होगी कहानी, समझ गए, ये फाउंडेशन वाला हिस्सा है। चलिए, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मटेरियल हैविंग द पॉइजन रेशियो 0.2, 2016 में आ रखा था, ये कह क्या रहा है कि पॉइजन रेशियो दे रखा है साहब, पॉइजन रेशियो मतलब म्यू इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है, और मॉडल रेशियो क्या चाहिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ, यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब आप समझ गए होंगे, ई अपॉन जी का रेशियो चाहिए। तो एक काम करो आप, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू निकालो, ई अपॉन जी का रेशियो चाहिए, तो आप करोगे 2 1 प्लस म्यू का वैल्यू सर 0.2, तो आप बोलेंगे 0.1 1.2 हो जाएगा, 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2.4, तो 2.4 ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन धड़ाधड़ करके, ठीक है ना। ऐसा से वैसे भी स्पीड मांगता है भाई, स्पीड तभी आती है जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, इस बात को ध्यान, ऐसे से हो कोई भी एग्जाम हो यार अब तो ना। देखो हम लोग आरसीसी में पढ़ेंगे भाई कि आरसीसी में दो तरह की बार होती है, एक मेन बार होती है, एक शियर बार होती है, और शियर बार का मतलब होता है कि शियर फोर्स का इफेक्ट को झेलना, उसमें हमारे पास या तो इंक्लाइंड छल्ले होते हैं, स्टीरअप को छल्ले कहते हैं, या तो वर्टिकल होंगे या तो बेंट अप बार होंगे, तो जो नहीं है शियर बार का पार्ट वो ए है। तो शियर रिइंफोर्समेंट इन बीम इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, तो हैंगर बार अलग चीज है, फिर भी मैं हैंगर बार भी बता देता हूँ। जब हम बीम का डिजाइन करते हैं भाई, तो आपके पास दो तरह की बार होती है, एक ये वाली निचली बार होती है, ये बेंडिंग का इफेक्ट लेगी, और इसको जो शियर बार होती है उनको अटैचिंग करने के लिए टॉप में भी हम बार डालते हैं, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपके टॉप वाली जो होती है हैंगर बार होती है, अगर इसका साइड वो देखें आप, साइड व्यू देखें, यहां से देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसा दिखेगा ये, जबकि नीचे जो बार है आपकी ये वाली, ये आपकी मेन बार है ऐसे, और ये वाला जो बार है कौन सा सर, ये वाला, ये कौन सा बार होगा तुम बताओ, ये छल्ले है, ये पूरा ऐसा बांधा जाएगा, ये देखा होगा आपने। तो ये आपकी जो ये वाला है, ये तो हो गया शियर बार, एस बी लिख रहा हूं, ये वाला हो गया सर, ये हो गया मतलब शियर बार एस बी, ये हो गया आपका ये हैंगर बार, और ये होता है आपका मेन बार या टेंसाइल बार भी इसको बोला जाता है, ये बेंडिंग का इफेक्ट लेते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के फॉर्म में होते हैं, जो शेयर बार की बात करो, ये तो इंक्लाइंड फॉर्म में होंगे, ऐसे भी बांधा जाएगा इनको, ये वर्टिकल होगा जो कि दिखाया गया, और एक बेंट अप बार भी होता है, बेंट अप बार कुछ नहीं, ये जो मेन बार होती है उन्हीं को हमारे पास शेयर में काम करवाया जाता है, मेन बार ही होती है लेकिन उसको शेयर में काम करवाया जाता है। खैर वो हम उसमें पढ़ेंगे,
आरसीसी में, और यहीं पढ़ लेंगे तो फिर आरसीसी में क्या करेंगे। ये देखो, अगर इसको देखें भाई को, तो ये क्या कर रहा है देख रहे हो? एक भैया दिख रहा है यहाँ पर कोई, ये भैया इसको बांध रहे हैं, देखो बांधने का काम कर रहे हैं। ये क्या, कौन सी बार है तुम बताओ? ये जो बांधने की बात कर रहा है, शियर बार मतलब वर्टिकल स्टिरअप, सही है कि नहीं है? वर्टिकली बांध रहा है क्या? देखो इसको देखो, बिल्कुल 90 डिग्री पर है क्या? तो ये वर्टिकल स्टिरअप है। अब कभी कभार हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में इसको इंक्लाइंड कर देते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बार कम होती है, फिर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड किया जाता है, तो इसको इंक्लाइंड बार कहते हैं। वही काम शेयर बार का ही है, शेयर का इफेक्ट लेंगे। एक और काम होता है कि जो मेन बार होती है सर, इसी को हम बेंट अप कर लेते हैं कभी कभार सपोर्ट्स पे, क्योंकि शेयर फोर्स सपोर्ट पे ज्यादा आता है ना। तो देखो ये मेन बार ही है, देखो नीचे देखो ये मेन बार ही है, लेकिन इसको हमने सपोर्ट के टाइम पर हमने बेंट अप कर दिया, उसको बेंट कर दिया 45 डिग्री पर ही बेंट करने की कोशिश करते हैं, वो शेयर फोर्स के लिए बढ़िया रेजिस्टेंस देते हैं, तो वो हमारा बेंट अप बार हो जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आरसीसी में बताएंगे भाई, टेंशन ना लो। हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, द इंडियन आरसी इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी वाज फाउंडेड इन दी, बताइए भाई आईआरसी कब फाउंड हुआ था, किसको याद है? दो देखो 2020 में आ रखा है, मैंने कहा ना कि जो पढ़ोगे वो सब काम आएगा तुम्हारे, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दो, भूल रहे हो तुम चीजों। 1934 आईआरसी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको सारे काम। 1927 में जयकार कमेटी आई थी क्या? 28 में उसके रिकमेंडेशन आ गए थे। सेंट्रल रोड फंड याद आ रहा 1929 में, 1934 में है आईआरसी आ गया, 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट देखो याद आ रहा हो, 43 से 63 तक क्या, लेकिन कंप्लीट कब हो गया था? 61 में। नागपुर प्लान क्या, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। 1950 में सीआरआरआई नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में, उसके बाद 61 से 81 तक बॉम्बे प्लान, कौन सा प्लान? सेकंड 20 ईयर ओल्ड प्लान। थर्ड 20 ईयर ओल्ड प्लान लखनऊ प्लान 1981 से 2001 तक, एनटीपीसी ये सब भी बताए थे बीच में, खैर आपने तो लिखे हुए। व्हाट डज द गेज ऑफ द रेलवे लाइन डिफाइन, गेज का मतलब क्या होता है सर? ये रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक देखा सबने, आयो क्या कभी नीचे उसके ट्रेन के? नहीं सर, कभी मौका नहीं मिला ऐसे, हमने बस बाहर बाहर से देखा। देखो रेलवे ट्रैक ये होता है, तो उसके इनर से इनर वाली जो दूरी होती है ना, ट्रेन ऐसे दौड़ती है ना, इसी को बोलते हैं गेज डिस्टेंस। अभी गेज डिस्टेंस हमारे भारत में तीन तरह के जनरली होते हैं यूज, हालांकि एक और होता है स्टैंडर्ड गेज, लेकिन जनरली क्या होता है कि सर एक होता है ब्रॉड गेज चौड़ा, तो ये ब्रॉड गेज क्या है सर? 1.676 मीटर। एक होता सर मीटर गेज, नाम से भी है 1 मीटर, और एक होता है नैरो गेज, नैरो गेज होता है 0.762 मीटर। तो इस तरह से चलता है, एक स्टैंडर्ड गेज और होता है जिसको 1.45 के करीब रखते हैं, लेकिन जनरली ये होता है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ साल पहले से भारत गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, भारतीय सरकार की वजह से बदौलत, कि इसमें ये रखा गया है, क्योंकि हमारे जैसे हिली एरियाज में ये बहुत जगहों पर हम लोग नैरो गेज यूज करते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक कम होता है इस तरह से, तो वो एक सिस्टम बनाने की सोच रहे हमारी भारत सरकार। यूनिगेज प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? यूनिगेज प्रोजेक्ट। यूनिगेज प्रोजेक्ट का मतलब है कि सारे के सारे गेज एक ही चौड़ाई के हैं, और ब्रॉड गेज को बनाने की वो चल रही है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो नैरो गेज है उनको चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। खैर तो बताइए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कौन सा होगा जी? कौन से जवाब करोगे आप? बी वाला होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल ऑफ ट्रैक। हाँ तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। चलिए और तो कोई लग ही नहीं रहा है, ये देखो बढ़िया से बता दिया, किसको बोलेंगे गेज? अब तो बता सकते हो, ये वाला ना, ये इनर से इनर, ये वाली दूरी होगी गेज, ठीक है जी। अच्छा ये नीचे, ये तो तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं भाई तुम बताओ, ये चीज क्या है? रेल, ठीक है ना, रेल, ट्रेन मत बोल देना इसको, ये रेल्स हैं। ये रेल्स भी बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें आपका फ्लैट फुटेड रेल होता है, बुल हेडेड रेल होती है, इसको हम पढ़ाएंगे रेलवे, रेलवे जब पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें क्या होगा कि कौन सा भारतीय गेज में यूज किया जा रहा है उसके बाद भी करेंगे। तो फ्लैट फुटेड रेल जनरली आजकल यूज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है उस पर बात करेंगे। इधर तुम्हारा फिश प्लेट लगे होती है उनको जोड़ने के लिए, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लेंथ होगी जहाँ पर कनेक्ट होगा एक और रेल, एक रेल की लंबाई लगभग ब्रॉड गेज की बात करें तो 13 मीटर का होगा, ये 13 मीटर का, फिर दूसरा जोड़ा गया होगा, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक जैसे एक रेल ये है एक रेल है, यहाँ पर फिश प्लेट का यूज करते हैं, उनको फिश बोर्ड से जोड़ा जाता है ना। अब बात करते हैं सर ये वाली चीज क्या है, फिर ये वाली चीज स्लीपर बोलते हैं इसको, स्लीपर के नीचे भी होते हैं क्रस्ट स्टोन बोलते हैं इसको, जब रूढ़ी रूढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं बैलास्ट, क्या बोलते हैं सर?
बेलास्ट बोलते हैं उसको, बी ए डबल एल ए एस टी बेलास्ट। उसके नीचे, बेलास्ट के नीचे क्या होगा? सॉइल फॉर्मेशन। फिर वो खैर मैं आपको बता दूंगा जब पढ़ेंगे। राइट ऑफ वे, अभी कुछ दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, सर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन वेट, बाउंड्री लाइन पढ़ रहे थे, है ना, कंट्रोल लाइन पढ़ रहे थे, कुछ याद आ रहा है? तो यहां पर एक टर्म्स मैंने कहा था कि राइट ऑफ वे, है ना, एक सब नेम था ये, एक निक नेम था किसी चीज का, ही याद आ रहा है? चलो मैं एक फिगर ही बता देता हूं आपको। देखो ये फिगर को देखो, याद कर लो, अब तो याद करो फिगर को। देखो कैरिज वे में क्या क्या चीजें, कैरिज वे तो अपनी जगह हो गई, उसके बाद कुछ मार्जिन दिया था, उसमें आपने शोल्डर वगैरह बोला था, ये शोल्डर था कि नहीं? ये क्या, ये तो था रोड वे। रोड वे को ही आप दूसरा नाम कह रहे थे सर, फॉर्मेशन विड्थ, याद आ रहा है? नहीं तो कहने का मतलब फॉर्मेशन विड्थ हो या रोड वे हो, उसमें कैरिज वे प्लस क्या आएगा सर? शोल्डर। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था? राइट ऑफ वे था ना, तो राइट ऑफ वे में आपको बताना है कि क्या क्या चीज होंगी। तो राइट ऑफ वे में आपके पास कैरिज वे तो हो गई, उसके बाद कुछ आपके मार्जिन भी था इधर, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे राइट ऑफ वे में। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास आंसर होगा। चलो देखते हैं, बोलो। यस, अब देखो जल्दीबाजी में जो बालक होगा ना, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। एसएससी में इस तरह के खेल जरूर खेलता है। तो जिनके कॉन्सेप्ट, जिनके थ्योरी रिविजन, देखो ना क्या है ना कि हर एक एग्जाम का, खासकर एसएससी या कोई भी एग्जाम दो, पढ़ाई के साथ साथ रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब पढ़ा तो तुमने था ही, लेकिन जिसने बहुत अच्छे से रिविजन किया होगा वो तो कहीं मार नहीं खाएगा इस क्वेश्चन में, कहे कि नहीं? क्योंकि गुरुजी को पता है, गुरुजी ने एक चीज पढ़ाया था कि रोड वे जो था, रोड वे वो था केवल क्या? यस, ये था रोड वे। इसी को आप क्या बोलते हैं सर? और करके लिखेंगे, फॉर्मेशन विड्थ सर। कभी कभार छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, ये दे देगा, ये दोनों दे देगा, जोड़ देना है। तो कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, ये क्या हो रहा था सर? इसको बोल रहे थे सर राइट ऑफ वे। दोनों में फर्क है क्या? अब नहीं करोगे गलती, इसीलिए कहते हैं कि यार क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहां से आ गया? ये हो गया आगे, ये हो गया नेक्स्ट। फॉर द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी, देखो याद करो, अब दिन सोच के जवाब करना। मैंने ऐसा कुछ गाड़ी बनाई थी क्या? बना देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ गाड़ी बनाई थी मैंने ना, अच्छी नहीं बनाई थी लेकिन चलेगा। ये लो, इधर कहीं टायर होगा एक आगे वाला, एक यहाँ होगा, ये रोड सरफेस था, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन था, याद आ रहा है कुछ? अब ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट को हमने एच कहा था, जबकि यहाँ पर ड्राइवर होगा, ये भाई साहब बैठे होंगे इधर, ये स्टेयरिंग घुमा रहा होगा, इसका आई लेवल तक की हाइट, ये इसके ड्राइवर के आई लेवल आंख तक की हाइट को हम कैपिटल एच कह रहे थे, ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट रोड सरफेस से लेकर एच कह रहे थे। अब हम जब एस एस डी के लिए बात कर रहे थे, याद है एच इज इक्वल टू 0.5 किसमें? किलोमीटर मीटर, मीटर में। और कैपिटल एच जो आई लेवल की ड्राइवर की हाइट है 0.2 मीटर। लेकिन ओएसडी में ये चीज एकदम से बदल जाती है, एच बी और कैपिटल एच बी दोनों क्या होते हैं सर? यस सर, ये चीज याद रखनी है जी। एक नंबर देखो फालतू का मिल रहा है तुम्हें, तो आपका आई लेवल का हाइट क्या हो जाएगा? 1.2, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए जी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो मैंने कह रहा आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, इस फिगर की उतनी जरूरत है भी नहीं, देखो फिर भी देख लो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? कि ये तुम्हारा गाड़ी चल रहा है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन देखो गाय बकरी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसको न मारने के लिए इसको रोकना पड़ेगा, इसको कोलिजन करने से बचाने के लिए, सेफली बचाने के लिए इसकी दो डिस्टेंस आ रही थी बीच में, एक रिएक्शन टाइम के दौरान और एक ब्रेकिंग अप्लाई करने के दौरान, है ना, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये सब बता रखा आपको। खैर चलो इसका जवाब करना भाई सोच के। जवाब करो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएगा ये क्वेश्चन, जवाब करो। हैं? W स्क्वायर L अपॉन 2AE, याद आ गया? या नहीं आया अभी भी, या अभी भी चल ही रहा है ऐसे कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन बहुत रहता है तुम्हें ना, और कन्फ्यूजन तभी रहता है जब तुम रिवाइज नहीं करते। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन, याद आ गया सर? हाफ पी और डिफ्लेक्शन सर वही, क्योंकि आप लगा रहे हैं कौन सा लोड? अप्लाइड टेंसाइल लोड,
मतलब ये एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड वाला केस है, तो पी एल अपॉन ए तो आ गया तुम्हारे पास पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए। यहीं पर चेंज करना अगर मूवमेंट के द्वारा लगाया जाए तो एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, अगर टॉर्जन लगे तो टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे। याद आ गया? नहीं आया ना? हाँ, तो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा, तो पी की जगह डब्ल्यू किया, बस घबराते क्यों? मैकेनिकल वाइंडिंग देखो, एग्जाम का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि एग्जाम मारा का ये भी, बताओ मैकेनिकल वाइंडिंग फॉर दी सिंगल लेन रोड या ऑफ ट्रैकिंग भी पूछा जाता है, बोलो जल्दी से। 18/8, क्योंकि सर मैकेनिकल वाइंडिंग क्या होता है, NL² / NL² / 2R, और मैकेनिकल वाइंडिंग हमेशा सिंगल लेन रोड के लिए आता है। NL square upon 2R, that means N is the 1, L is the 6 का square, क्योंकि सर wheel base का length जो हम लेते हैं, length of vehicle, और 2 into R, तो 6 से क्या 36/2, तो 18 हो जाएगा, 18/R, तो 18/R हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया सर mechanical widening, तो 18/R होना है, ये हमने पीछे क्लास में बता ही रखा है। चलिए जी, इसका जवाब करो, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था शायद आपको, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किसमें, जब हम लोग पेमेंट का डिजाइन पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक, चौथा सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर। बोलो करेक्ट अरेंज ऑफ द कॉस्ट, एग्जाम में आ रखा है ये भी, कोट है ये, बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द विस्कोसिटी। ये क्या करते हैं हम लोग, जब रोड बनाते हैं ना भाई, तो हम अलग अलग बिटमिन की कोटिंग हो रही है, पहला कोट दूसरा कोट, इस तरह से बिटमिन की कोटिंग होती है, और बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी, तो मैंने कहा था कि जो नीचे लेयर होती है आपकी, जब सॉइल सबग्रेड है उसके बाद जीएसबी लेयर पड़ती है, एक प्राइमर टाइप का डालते हैं आप, बिल्कुल पतला पानी की तरह, काला काला कर देखा आपने, बिल्कुल पानी की तरह, बहुत लो विस्कोसिटी का, उसको बोलते हैं क्या सर, प्राइम कोट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कोट। उसके बाद जब हम एक लेयर और बिछाते हैं जीएसबी के बाद, और उसके बाद हमारे पास सब बेस कोर्स, तो उनके दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग बनाने के लिए थोड़ा विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, उन दोनों लेयर को इंटरलॉक करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, बोलो, टैक कोट, उसको बोलते हैं टैक कोट। तो पहला हो गया प्राइम कोट, फिर हो गया टैक कोट, इसकी विस्कोसिटी कम, इससे ज्यादा। उसके बाद लास्ट में सर, जब हमारे पास सरफेस लेयर बिछ जाती है, तो सरफेस लेयर के बाद हम देखते होंगे एग्रीगेट और बिटमिन का बनेगा ना सरफेस लेयर भी, तो बिटमिन एग्रीगेट के कुछ पार्टिकल ऐसे दिखते हैं रफ करके, तो हम क्या करते हैं सील कोट से थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी इन तीनों में से, तो हम बोलेंगे सर सबसे ज्यादा किसकी विस्कोसिटी, सील कोट वाले बिटमिन की। तो आप बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओ, डी ऑप्शन क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चले जी आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ दी नॉट फेलियर ऑफ दी फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया हो जाना चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टॉपिक नहीं है, ये सब पढ़े हुए में से ही है तुम्हारा। देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट है सर, तो उसका फेलियर में नहीं है, तो नहीं है तो वो है मड पंपिंग। देखो फटिक क्रैकिंग क्या होता है कि भाई जैसे कि आपका रोड है, ये रोड फ्लेक्सिबल है, तो आप जानते हैं बिटमिन की रोड है, तो ये क्या होता है कि फटिक का मतलब है कि लोड के कारण ये बहुत ज्यादा आपके पास बार बार जब रोड पर लोड आता रहेगा, व्हील का लोड आएगा, तो आपका कंटिन्यूअसली क्रैकिंग पड़ना शुरू हो जाती है। क्या हुआ फटिक किसके कारण हुआ? कंटिन्यूअसली साइक्लिक लोडिंग, और साइक्लिक किसके द्वारा हो रही है? टायर्स के, गाड़ियां चल रही, तो ये फटिक क्रैकिंग दोनों में दिखता है, ऐसा नहीं कि केवल इस दोनों एक में दिखता है, दोनों में दिख सकता है। अब आते हैं सर थर्मल क्रैकिंग क्या होता है, क्या होता है कि सर समर टाइम की बात हो या दिन के समय की बात हो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपके फिर भी क्रैकिंग पड़ना शुरू हो जाते हैं आपके, दोनों में पड़ती है, ये भी फ्लेक्सिबल की बात हो रही है, तो ये आपके इसमें भी होता है, तो थर्मल इसमें भी होगा। अब सब बार करते हैं रटिंग की, सरफेस रटिंग, हालांकि ये जो सरफेस रटिंग है ये इसमें भी नहीं होता, क्या बोला गया था वैसे, विच इज नॉट द फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। हाँ ठीक है, फटिग और थर्मल ये दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन ये जो रटिंग है केवल एक में होता है, किसमें? फ्लेक्सिबल वाले में। तो अभी भी तीनों किसके हुए? अभी भी तीनों किसके हुए? फ्लेक्सिबल पेमेंट के हुए ना, तो ऑप्शन अभी भी आपके पास वैसे भी मिल गया कि ये वाला फ्लेक्सिबल में नहीं होता, तो किसमें होता है? ये होता है रिजिड वाले में, तो मतलब आंसर तो मिल गया आपको डी। अब देखो रटिंग क्या होता है दोस्त, क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सॉइल का जो निचला लेयर होता है, निचला लेयर क्या होता है सर? सबसे नीचा लेयर, सॉइल सबग्रेड, तो मिट्टी थोड़ा सा सेटलमेंट जब होती है किसी कारण से, बेयरिंग कैपेसिटी की वजह से या किसी भी कारण से, तो इसका जो ये रिफ्लेक्शन है एक लेयर का, वो दूसरी लेयर पे भी दिखता है, तीसरी लेयर पे भी दिखता है, और चौथी जो टॉप सरफेस लेयर है उसको, तो इसी इसी फेलियर को बोलते हैं सर
इसी ये पूरी रोड का फेलियर हो गया ना, नीचे वाता और वो सब में आ गया रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं सर सरफेस रटिंग। क्या बोलते हैं? सरफेस रटिंग। और ये केवल किसमें दिखेगा बताओ? फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब आप बोलेंगे कि उसमें क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिखता उसमें? उसमें क्या होता है सर कि ऊपर होती है पूरी कॉन्क्रीट की लेयर, ऊपर तो पूरी कॉन्क्रीट की हार्ड लेयर होती है, नीचे अगर सॉइल है भी और सॉइल में सेटलमेंट हो भी रहा है तो यहाँ पर दोस्तों रटिंग नहीं होता। रटिंग का मतलब ऊपर वाली लेयर में आएगा नहीं, कॉन्क्रीट को थोड़ी उखाड़ देगा इतने कम वजह से। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कैविटी। इसमें कैविटी टाइप का फॉर्मेशन होता है, तो कैविटी फेलियर होता है। इसमें किसमें हो रहा है? रिजिड वाले में। लेकिन ये मड पंपिंग रिजिड में क्या चीज है सर, मैं बताता हूँ। दोस्तों हम जब रिजिड पेमेंट का डिजाइन करते हैं तो एक लेयर ऐसा और एक लेयर ऐसा बनाते हैं। देखो एक लेयर ऐसा बनाते हैं, देखो इधर ध्यान से, एक लेयर ये है मान लेते हैं, ये तो आप साइड व्यू देख रहे हैं भाई। क्या देख रहे हैं? साइड व्यू। थोड़ा सा हम गैप रखते हैं, बहुत कम रहता है। जैसे टॉप व्यू बनाऊं मैं आपको लिए, तो ये देखो एक लेयर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इधर भी होंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा सीमेंट कंक्रीट रोड देखा है आपने, तो थोड़ा थोड़ा गैप रहता है उनके बीच में। वो इसलिए रहता है, क्या होता है कि कंक्रीट का एक नेचर होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़े तो वो एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर घटे तो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए वो रिज क्रैक ना हो तो आपका बढ़िया से अपना काम करते रहे। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है, गैप जब बहुत ज़्यादा हो या गैप कम भी हो तब भी हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर जैसे किसी टायर की वजह से हो या कुछ और भी कारण हो सकता है, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट कर दे, तो होगा क्या सर, होगा क्या कि यहाँ पर क्योंकि नीचे तो आपकी लेयर होगी, वो करेगा, रेनफॉल आएगी, बारिश आएगी। अभी एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये कई दिन लग सकते हैं इसमें, कई महीने की प्रोसेस हो सकती है। बारिश आएगी, आएगी आएगी, और यहाँ पर क्या होगा सर, इरोजन होगा, मिट्टी का संचारण होगा, वो निकलेगी बाहर, तो ये क्या करेगा, एक फिर से ये फेलियर करेगा। तो इसको बोलते हैं मड पंपिंग। क्या होता है कि वहां से मिट्टी बाहर आ रही है, मड पंप्ड हो रहा है। मड का मतलब मिट्टी होता है भाई, ठीक है, इस वजह से उसका नाम बोला है मड पंपिंग। ये इसमें नहीं देखेगा आएगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं होती है फॉर्मेशन, ये किसमें होता है, केवल रिजिड पेमेंट में। तो कहने का मतलब समझे आप, तो ये कुछ इस कदर कहानी है, मैं वहां पर भी पढ़ाऊंगा आपको हाईवे में भी, टेंशन न ले। एज पर द आईआरसी व्हीकल हैविंग द ग्रॉस लोड ग्रेटर देन द, अब ये क्या कह रहा है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग, आईआरसी के अकॉर्डिंग। अब भाई दो दो तरह के व्हीकल आपने देखा होगा, एक प्राइवेट व्हीकल होते हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? जैसा आपको पता भी होगा कैसे पहचान होती है, तो आप बोलेंगे, वैसे तो आप कल आजकल तो नंबर प्लेट में तो कई सारे कलर हो जा रहे हैं, लेकिन हरा भी हो रहा है, पीला कलर भी हो रहा है, सफेद भी कलर भी हो रहा है। हरा को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, सफेद का मतलब क्या होता है, प्राइवेट व्हीकल हो गया, और कमर्शियल व्हीकल हो गया आपका कौन सा, पीले कवर कलर की पट्टी वाले। तो कमर्शियल व्हीकल को और जब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका लोड जो होगा 3 टन से ऊपर का लोड जो होता है, जब किसी भी व्हीकल का लोड 3 टन से ज्यादा का जब होता है तो उस किसके कैटेगरी में आ जाता है, कमर्शियल व्हीकल के। और ऑब्वियसली यार कमर्शियल व्हीकल तो हैवी तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है? तो इसके लिए हमारे कोड ने, आईआरसी ने डिफाइन किया कि 3 टन से ज्यादा लोड होता है, होता है से ज्यादा, 3 टन से ज्यादा, तो उसको हम किस कैटेगरी में बोल देंगे, कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है, और पहचान तो आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। स्टैंडर्ड लोड वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एग्रीगेट इज कंसिडर्ड एज, देखो हम क्या कर देंगे, सीबीआर मेथड पढ़ेंगे, ये आपको याद करने मैं तो बताऊंगा ही। तो वहां पर हम स्टैंडर्ड लोड लेते हैं, अगर हम 2.5 के पेनेट्रेशन के लिए हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, यहाँ 2.5 के लिए जो लोड लगाएंगे तो पेनेट्रेशन होगा, मतलब लोड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1370 किलोग्राम होती है, और 5 mm के पेनेट्रेशन के लिए कितनी होगी, ये होती है 2055 किलोग्राम। तो ये 5 mm के लिए पूछा गया था अभी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जल्दीबाजी में गलत नहीं करना था, ये आपके 2.5 mm के वाले के लिए है, बी ऑप्शन था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन द यूज इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। अच्छा अभी आपने मेथड किए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लो, यहाँ पर रिजिड पेमेंट की बात हो रही है, तो रिजिड पेमेंट के लिए हम यहाँ पे से एक ही मेथड यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मेथड तो भैया फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए, जैसे कि सीबीआर मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट सर, ग्रुप इंडेक्स मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट, मैकल्यूज मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट, बर्मिस्टर मेथड, ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, वो जो आपने देखा कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, सब ये एफबी के लिए होते हैं, एफबी का मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट। लेकिन एक मेथड है यहाँ पर वेस्टरगार्ड, ये किसके लिए होता है, रिजिड के लिए, तो ये हम पढ़ेंगे आपके पास, ये हो गया सी ऑप्शन।
वेस्टरगार्ड स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे जब। अच्छा ये मैंने कभी आपको पढ़ा, आपने उसमें भी पढ़ लिया होगा, सॉइल में भी पढ़ा है। अरे सॉइल में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया है, पढ़ लिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं इसको हाईवे में पढ़ाता हूँ। तो हाईवे में जी आई वैल्यू एक्चुअली में आपके कितने तक लाई करता है बताओ। अरे यही तो मेथड है जिससे कि सॉइल की एक स्ट्रेंथ आपको पता लग जाती है, और जब सॉइल की स्ट्रेंथ पता लगेगी तभी तो आप रोड बनाओगे, रोड की थिकनेस उसी के हिसाब से रखते हैं हम फिर। तो खैर वैसे ये सॉइल में भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको हाईवे में भी इसको पढ़ाता हूँ। बताओ ग्रुप इंडेक्स कब से कब तक होती है? 0 से 20 तक होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो होती है 0 से 20 तक होती है। जितनी ज्यादा कम होगी इसकी रेंज होगी जी आई वैल्यू, 0 से 20 तक होती है इसकी रेंज। जितनी कम होगी उतनी अच्छी सॉइल होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी खराब सॉइल होगी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ये भी हमारा ये टर्म्स जो है यूज किया जाता है रिजिड पेमेंट में, और रिजिड पेमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होता है 0.125 सेंटीमीटर का होता है, ए ऑप्शन। रेजिलियंस बताओ, रेजिलियंस से आप क्या समझते थे? ये तो आपका सोम का क्वेश्चन हो गया, क्या होता था रेजिलियंस? है रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी, बताया था रटने की जरूरत है इसको? नहीं सर, क्योंकि हमने बताया था कि रेजिलियंस वो टर्म्स है जब आपका किसी लोड लगाया जाए किसी बॉडी में तो एक एनर्जी को स्टोर करे, लेकिन वो एनर्जी इतनी हो या उतना लोड लगाया हो आपने कि अगर उस लोड को हटा दें तो वो अपनी फिर अपनी अवस्था पे आ जाएगा और जितनी एनर्जी उसको फिर से वापस ले जाए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, उसकी बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी है ये, तो ये सब समझा रखा मैंने। क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ, 2020 में आया था SSC में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, बताइए क्ले किसका एग्जाम्पल होगा? एक्वाफर का, एक्वाटार्ड का, एक्वाफ्यूज का, या एक्वाक्लूड का? तो सी फॉर क्ले, अगर कभी भूल भी जाते हैं सी फॉर एक्वाक्लूड, तो कहने का मतलब है ये एग्जाम्पल हो गया क्ले का। एक्वाक्लूड का मतलब वो लेयर जिसमें कि पानी बहुत ही मुश्किल से रिसेगा। क्ले का परमेबिलिटी ज्यादा या कम कंपेयर टू सैंड? कम है ना, ये देखो बालक ज्यादा कह रहा है ना, महामूर्ख, ज्यादा सॉइल पड़ रहे हो तब भी ये बात कर रहे हो। तो क्ले का परमेबिलिटी क्या हो गया? सबसे कम कंपेयर टू सैंड। अब मैं कहूं कि पोरोसिटी क्या है? हैं, ये क्ले है और ये सैंड है, ये क्या है? क्ले और ये सैंड है। क्ले के पार्टिकल क्या होते हैं? बारीक होते हैं क्या? ऐसे 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 बहुत बारीक होते हैं ना, बहुत बारीक सॉलिड 2 माइक्रोन से नीचे साइज होता है। अब सैंड होते हैं बहुत ज्यादा, होते बड़े होते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर इसमें भी पानी तुम डालो, ऊपर सेम अमाउंट का पानी डालो, इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, किससे पानी रिसेगा जल्दी? सैंड से। पानी जल्दी परमिट कर रहा है, पानी जल्दी परमिट कर रहा है तो परमेबिलिटी ज्यादा, परमेबिलिटी कम, खत्म। अब आता है दूसरा टर्म पोरोसिटी। पोरोसिटी का सिंपल मीनिंग है कि आपका पानी को होल्डिंग करने की कैपेसिटी किसकी है, ये होल्ड ज्यादा करेगा या ये होल्ड कम ज्यादा करेगा, बोलो। अगर पानी डालोगे तो ये होल्ड करके रखेगा ज्यादा, कौन? क्ले। तो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, दैट मींस पोरोसिटी, तो वही तो होता है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सीधे शब्दों में। तो पोरोसिटी इसकी ज्यादा और इसकी पोरोसिटी कम, ये नहीं कर पाएगा, इसकी ड्रेनेज ज्यादा होती है। तो यहां पर क्ले का एग्जाम्पल्यूड का एग्जाम्पल है क्ले। एक्वाफ्यूज में होता है कि जो बिल्कुल ही इम्परमेबल है, बिल्कुल पानी नहीं रिसने देगा, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है रॉक। एक्वाटार्ड में इसके थोड़ा सा और ऊपर, भले क्ले से भी थोड़ा सा ठीक ठाक, इसमें आता है सिल्ट। और एक्वाफर में तो आप लोग पढ़ोगे इस सॉइल में, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है कन्फाइंड एक्वाफर, एक होता है नॉन या अनकन्फाइंड एक्वाफर। कन्फाइंड एक्वाफर होगा जब आपके दो इम्परवियस लेयर, यहाँ भी क्ले हो गया माना और यहाँ भी क्ले हो गया, दो इम्परवियस लेयर के बीच में कोई सरफेस, वही सरफेस सैंड हो सकता है, यहाँ पर पानी होगा तो पानी को आप निकाल देते हैं फिर इसे के ऊपर से। और एक अनकन्फाइंड होता है, अनकन्फाइंड में क्या होगा कि एक ही लेयर केवल आपकी होगी, जैसे क्ले हो गया इधर, यहाँ पर आपका क्या होगा सैंड वगैरह होगा, तो यहाँ से पानी निकाल दिया, ठीक है। खैर नेक्स्ट एक सर्वेइंग का क्वेश्चन है, जवाब करेंगे अगर कर सकते हो तो। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, डिटरमाइन द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन इफ द डिक्लिनेशन इज 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अरे करो भाई जवाब, सर्वेइंग तुमने, तुम्हारा सब्जेक्ट ही तो ये कोई मैकेनिकल वालों का है, इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा तो होगा कभी जीवन में कॉलेज में।
मैकेनिकल बेयरिंग दे रखा है लाइन का और आपको डिटरमाइन करना है ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन इफ द डिक्लिनेशन इज 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। बोलो, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको जो दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, रखनी पड़ती है। कोई जवाब कर पाएगा, यस और नो? नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, इधर देख लो, सर्वे तो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या किया करो, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को दिखा दिया करो। उसके बाद सबसे पहला सवाल ये होता, ये हो गया तुम्हारा पूरा दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा, ईस्ट और वेस्ट है। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन साउथ, इसको भी छोड़ो, अभी पहले आप इसको दिखाओ डिक्लिनेशन किधर है। पहले आप ये लिखा, जो ये परफेक्ट चीज है पहले ये दिखा दो। उसके बाद सर डिक्लिनेशन किधर है, मतलब लाइन डिक्लाइन किधर हुआ है, किस साइड हुआ है बताओ, वेस्ट की साइड या नॉर्थ की साइड? वेस्ट की साइड। वेस्ट इधर है क्या? तो पहले ये लाइन को वेस्ट के साइड डिक्लाइन करते हुए दिखा दो, दिखा दो जी। ये हो गई आपकी ऐसे। और ये बात तो समझदारी में आपकी है ही कि जब ये इधर जाएगा तो ये इधर ही घूमेगा ना, मतलब सही बनाया क्या? और ये ऐसा हो गया, कितने डिग्री से बोलो? 7 डिग्री और 30 मिनट से। क्या आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि ये लाइन भी सेम अमाउंट से जाएगी क्या? 7 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे बताओ ये वाला चेंज हो गया क्या नॉर्थ? इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ये तो ट्रू नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ, जो समय के हिसाब से चेंज होता है। चलो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही मैग्नेटिक साउथ। बस ये सबसे पहले बनाना होता है। उसके बाद सर हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर कि अब हमें दिया क्या है। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन साउथ 28 डिग्री। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि अब काम किससे है, रिड्यूस बेयरिंग में दे रखा है या होल सर्कल बेयरिंग में? तो हम बोलेंगे रिड्यूस बेयरिंग में दे रखा है। तो रिड्यूस बेयरिंग मतलब साउथ से चलना है आपको और ईस्ट की तरफ चलना है। तो लेकिन है क्या ये मैग्नेटिक बेयरिंग है? अगर ये ट्रू बेयरिंग होता तो फिर यहां से चलते ट्रू साउथ से। अभी मैग्नेटिक बेयरिंग है तो मैग्नेटिक बेयरिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल कहां से लेंगे? मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक साउथ से। मतलब एक लाइन रहा होगा जिस लाइन को आप ए बी कह दो चाहे तो, और इस ए बी का जो एंगल ये कह रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग बोला है तो मैग्नेटिक साउथ से ही लेना पड़ेगा। ये एंगल कितना है? ईस्ट की तरफ जाते हैं, साउथ से जा रहे हैं ना। अब कितना एंगल है ये? 28 डिग्री 30 मिनट। अब बोला क्या है कि सर ट्रू बेयरिंग बताओ। ट्रू बेयरिंग भी देखो, वहां भी देखो, आप सबके सब रिड्यूस बेयरिंग में, होल सर्कल बेयरिंग में नहीं है। तो आप बोलेंगे ट्रू बेयरिंग हमेशा कहां से लेते हैं सर? यहां से। कहां से लेते हैं ट्रू बेयरिंग? ट्रू साउथ से। ट्रू साउथ से लेते हैं तो बताइए एंगल कौन बोलेगा ट्रू बेयरिंग? बताइए ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू, जोड़ो 28 डिग्री कितना मिनट? 30 मिनट। इसमें कितना सर? 7 डिग्री 30 मिनट। बोलो 60 मिनट इधर से, 8 7 15, और यहां पर कितना हो गया? 35 क्या? तो 35 डिग्री 60 मिनट। ऐसा कहीं आप देख नहीं रहे होंगे। तो कहने का मतलब है सर, एक डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। तो इस 60 मिनट को इधर बदल दो तो आप बोलेंगे सर साउथ से ही आप गए ईस्ट की तरफ गए, और कितने डिग्री पर गए? 36 डिग्री 00 मिनट। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो खैर ये तो आप सर्विंग में पढ़ोगे भाई, समझ आया नहीं आया? क्लियर है? बहुत आसान है, चुटकियों में होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसका जवाब तो तुम कर ही सकते हो, सॉइल पढ़ लिया तो। बोलो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल निकाला था, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कुछ मेथड होते हैं आपको निकालने के लिए, बताइए कौन नहीं है वो बताना है। बोलो कौन नहीं है वो बताना है, है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, यस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वाटर कंटेंट निकालने के लिए W इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। आप सभी को पता है, आपको यह भी पता है कि सर टॉर्जन बैलेंस मेथड हो, यह भी वाटर कंटेंट का है। पिकनोमीटर मेथड है ना, वो भी मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड सबसे क्विकेस्ट मेथड है ये, पिकनोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। एक और मेथड होता है सर, ओवन ड्राइंग मेथड। और बताओ कोई एक दो मेथड और बताओ, ओवन ड्राइंग मेथड और रेडिएशन मेथड। चलो ये भी हो गया, हाँ यस, सैंड बाथ मेथड। और बताओ सॉल्ट रिप्लेसमेंट मेथड होता है, कुछ भी मतलब है, है? मान लेते मैं सॉइल नहीं पढ़ा रहा तो कुछ भी, सैंड बाथ मेथड और अल्कोहल मेथड, ठीक है। तो सैंड बाथ मेथड हो गया, टॉर्जन बैलेंस मेथड हो गया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिकनोमीटर, ओवन ड्राइंग मेथड, रेडिएशन मेथड, और एक हो गया अल्कोहल मेथड, ठीक है ना, और एक हो गया सैंड बाथ मेथड। लिख दिया था सैंड बाथ मेथड, यही लिखा है। ये कुछ मेथड, इनके नाम याद रखने हैं। ये जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है
ये कोर कटर मेथड है, ये सब के सब आपके डेंसिटी निकालने में काम आते हैं। इट फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, फिल डेंसिटी, तो बी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड, ये लोग आप ये चीज आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे, हम लोग पढ़ाएंगे जब आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर आपके पास नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में थोड़ा सा आपको ढालन की जानकारी देंगे, ये भी एग्जाम में आ रहा है आजकल, उसमें पढ़ाएंगे कि कई कितने तरह की बिल्डिंग होती हैं और उसमें ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग आप लोग पढ़ेंगे किस तरह से करते हैं, तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग होती है भाई, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा भी है यहाँ, टेंशन ना ले। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग किस ग्रुप को बोलते हैं आप, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आती है आपकी ग्रुप जी नाम की बिल्डिंग, ठीक है। अभी देखो आप कौन से आएगी, देखो इसमें देखो आप मैंने लिखा होगा आपके लिए, जैसे कि ग्रुप ए में आती है पब्लिक बिल्डिंग, बात हो रही है ग्रुप ए में आती है रेजिडेंशियल, एजुकेशनल बिल्डिंग बी में आती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सी में, असेंबली बिल्डिंग डी में, है ना, बिजनेस बिल्डिंग आपकी ई में, उसके बाद जैसे कि मर्केंटाइल बिल्डिंग जो आती है एफ में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देखो जी में आ गया, है ना, स्टोरेज बिल्डिंग एच में आ गया, जो हजार्स वाली बिल्डिंग होती है खतरे वाली वो हो गई आई। अ बीम इज सेट टू बी प्योर बेंडिंग व्हेन, बोलो जवाब करो, अ बीम इज सेट टू बी प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग में है तो बोलो, प्योर बेंडिंग मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जैसे एक एग्जाम्पल यही ले लो कि आपके पास ये है सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, यही काम करो, ये वाला केस बना लो, ये वाला केस बना लो कि ये तुम्हारे पास आपके पास एम लगा दे, कैंटिलीवर बीम विद एम, इसमें शेयर फोर्स क्या था, कंप्लीटली जीरो था क्या, और बीएमडी क्या था सर, याद आ रहा है कुछ, रेक्टेंगल था, तो क्या हो गया ये प्योरली बेंडिंग मूवमेंट, क्या बेंडिंग मूवमेंट क्या हो गया सर पूरे बीम में, कॉन्स्टेंट शेयर फोर्स क्या हो गया सर पूरे बीम में, जीरो लाइन, तो आप क्या बोलेंगे इस पूरे बीम में क्या हो रही है सर, ए से लेकर बी तक पूरे बीम में क्या हो रहा है सर, इसको क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग, यही होता है सर प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग की डेफिनेशन है कि जब बीम के किसी पोर्शन में या पूरे बीम में हो, आपका शेयर फोर्स तो जीरो होगा लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, क्या कॉन्स्टेंट होगा, तो ये डेफिनेशन हो गई शेयर फोर्स जीरो एंड प्योर बेंडिंग के केस में, और कॉन्स्टेंट होगा बीएमडी। चलिए जी शेयर फोर्स जीरो हो गया, आंसर मिल गया हमें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लेसीमीटर एंड टेंसीमीटर आर यूज्ड टू मेजर रिस्पेक्टिवली, बताइए, ये आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं लेसीमीटर और टेंसीमीटर, हम लोग पढ़ेंगे इसको हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में, तो इवेपोट्रांसपिरेशन और टेंसीमीटर क्या करेगा, कैपिलरी पोटेंशियल मतलब कि जो मॉइस्चर टेंशन है प्लांट के द्वारा जो टेंशन लगाया जा रहा है खींचने के लिए पानी को, वो कहलाया जाता है कैपिलरी पोटेंशियल, या SMT भी बोलते हैं इसको, सोयल मॉइस्चर टेंशन। खैर मैंने आपके लिए कुछ लिखी है ज्ञानवान चीजें, देखो ये याद करना, इवेपोट्रांसपिरेशन किसी, देखो ये चीजें हैं जो हमारे पास हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, तो उनको मेजरमेंट करने की चीजें हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ये चीज क्या है लेसीमीटर के लिए, ये टेंसोमीटर कैपिलरी ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन फीटोमीटर से, इवेपोरेशन किससे सर एटोमोमीटर से, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी परमीमीटर से, इन्फिल्ट्रेशन किससे सर इन्फिल्ट्रोमीटर से, या रेनफॉल सिमुलेटर भी कहते हैं इसको, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से, रिलेटेड ह्यूमिडिटी सैक्रोमीटर से, या विंड स्पीड सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है एनेमोमीटर से, ठीक है ना, तो विंड स्पीड एनेमोमीटर से पूछी जाती चीजें हैं, तो इसको चार्ट को लिख देना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता रहता है, घूमता रहता है। अब एक चीज ये भी पूछा जाता है भाई कि आइसोनिफ जो है इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ हैवी रेनफॉल, जैसे आपने सुना होगा आइसो बार, आइसो हाइट, ऐसा कुछ नाम सुना है, देखे मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन मैंने खींची है, लेकिन इस लाइन के हर एक पॉइंट पर, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर, सब जगह पर सेम अमाउंट की बारिश हुई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पर आपके सेम अमाउंट की बारिश हो रही है, 2 सेंटीमीटर 5 2 सेंटीमीटर या कुछ भी मान लो आप, एक हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट की बारिश, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं आइसो हाइट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है आइसो हाइट। ऐसे मैं कहूं कि सर एक लाइन मैंने खींची है, लेकिन इस लाइन को मैंने किस कदर खींची है कि इसमें सब में क्या होता है सेम प्रेशर है, मैं बोलूं कि इक्वल प्रेशर की लाइन खींची आपने, तो इसको बोलते हैं आइसो बार, बार आप जानते होंगे प्रेशर की यूनिट होती है, एक बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, तो कहने का मतलब है सर यहां पर आइसोनिफ इसी तरह से जो होता है वो होता है स्नोफॉल की, मतलब एक लाइन में खींचो तो उसमें हर एक जगह पर सेम अमाउंट की सेम डेप्थ की जो भी आप कहें बर्फबारी हो रही होगी। खैर मैंने एक चार्ट लिखा आपके लिए, इस चार्ट से बाहर कभी भी किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल के एग्जाम में कुछ नहीं आता है, इसी में से एक वैल्यू पूछता है, लेकिन याद जिसको होती होगी तुरंत बता देगा, आइसोबार इक्वल प्रेशर की लाइन,
आइसोहाइट रेनफॉल की लाइन, इवेपोट्रांसपिरेशन की लाइन, आइसोक्लिथ, ये भी बहुत पूछा जाता है, आइसोथर्म टेम्परेचर से हो जाएगा, आइसोनिप क्या स्नोफॉल, आइसोक्रोन इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है ना, मतलब कि ट्रेवल का जो टाइम है सबका सेम अगर हो जाए, आइसोहेलाइन सेलिनिटी, आइसोहेल सनशाइन, ठीक है ना, आइसोबाथ डेप्थ इन शी, है ना, शी में डेप्थ, ये सारी चीजें है जी। व्हाट इज द डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्बिट्री लिमिट बिटवीन द लिमिट लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, और ये चीजें आपने पढ़ी है तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। What is defined as the water content to corresponding to the arbitrary limit between the liquid and plastic state? तुमने अटरबर्ग लिमिट पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चार्ट पढ़ा है? पढ़ा है तो बताओ जल्दी जवाब, इतना सोच कह रहे हो भाई, नहीं पढ़ा है क्या कुछ? बताओ, ये कह ये रहा है कि वो लिमिट बताओ जब अटरबर्ग ने आपको बता रखे हैं, आपको तीन चार लिमिट बता रखी हैं, जैसे कि प्लास्टिक लिमिट, श्रृंखे लिमिट, लिक्विड लिमिट, तीन लिमिट बता दी, तो ये कह रहा है कि प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की वो लिमिट क्या कर रहा है, हैं? ग्राफ नहीं याद आ रहा है, देखो ये क्या होता था, ये सॉलिड स्टेट होता था, ये जगह, इस सॉलिड स्टेट से आप देखते थे कि आपका वॉल्यूम में चेंज होता जाता है, इसके नीचे अगर वाटर कंटेंट आप करें, इसके नीचे अगर वाटर कंटेंट आप करें भी घटाएं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वॉल्यूम में, देखो, लेकिन इसके आगे और वो लिमिट क्या होती थी सर, इसको बोलते थे श्रृंखे लिमिट, तो वॉल्यूम में फर्क पड़ता था, कहां तक सर, प्लास्टिक लिमिट तक, तो आप क्या बोलते थे कि ये वाली स्टेट होती थी सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बाद फिर वॉल्यूम में और बढ़ता था वाटर, क्योंकि ये क्या चीज है सर, ये वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम फूलेगा सॉइल का, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कौन सा स्टेट है सर, फिर लिक्विड लिमिट तक लेगा जब आप पानी को, तो क्या हो रहा है सर, ये वाला हो रहा है श्रृंखे लिमिट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, बताओ ये कौन सा स्टेज हो गया, ये वाला हो गया प्लास्टिक स्टेट, और इधर वाला स्टेट क्या हो गया, ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट, इसके बाद तो शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है सॉइल की, बिल्कुल नेगलिजिबल, तो ये था आपके पास कर्व किसका, अटरबर्ग का, तो ये हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम दिखेगा, और वॉल्यूम दिखेगा यहाँ पर, चलिए खैर, तो ये कह रहा है कि सर हमारे पास वो लिमिट जब आपका लिक्विड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रहा है, बताओ लिक्विड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रहा है, तो भैया तुम जवाब करो ना, यही तो कह रहा, नहीं क्या कह रहा है, डिफाइन एज द वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्बिट्री लिमिट बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में अब कैसे डिफाइन करेंगे हम, लिक्विड स्टेट तो ये है और प्लास्टिक स्टेट ये है, और वैसे भी ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये बाउंड्री लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है वाटर कंटेंट की, अब देखो जैसे वाटर श्रृंखे लिमिट का एक बाउंड्री है तो पानी ना, लेकिन एक बाउंड्री है जो दो स्टेट को डिवाइड कर देगा, एक सेमी सॉलिड और एक सॉलिड, ऐसे ही ये कौन सी बाउंड्री, प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक लिमिट वाली, प्लास्टिक स्टेट और किसको, सेमी सॉलिड, ये कौन सी बाउंड्री है पानी की, लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट, तो बताइए जवाब मिल गया, जवाब मिल गया क्या सर, कौन सा जवाब है, अब बताओ कैसे कह रहे थे तुम लोग, कौन कह रहा था प्लास्टिक, है ना, तो गलत हो गया ना कहानी, तो गानी गलत नहीं करनी भाई, सोच के जवाब करना, देखो आंसर देखो, परफेक्ट लिक्विड लिमिट, ये यहां पर सब बता रखा, देखो ठीक है ना, लिक्विड लिमिट को कैसे निकालते हो आप, कैसे, ग्राइंडेड टेस्ट से, प्लास्टिक लिमिट को क्या करते थे आप, बॉल लेते थे 3 mm का, उसी के रेफरेंस में, ठीक है, चलिए खैर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल, टफनेस इंडेक्स की बात करेंगे, किसी को याद है फॉर्मूला, टफनेस इंडेक्स भूल गए सारा, हाँ सही बोल रहे, बोलो, टफनेस इंडेक्स IT इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स IF, यस और नॉट, है ना, तो यहां पर इसका अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, अच्छा प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी तो आपको पता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, फॉर्मूला भूल रहे हो भाई तुम लोग ना, तो ये हो गया आपका ये ऑप्शन, देखो यहाँ पे तीन फॉर्मूले, तो भैया सबसे ज्यादा बेहतरीन फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे SS वगैरह देते हो तो भैया ये इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप बात करते हैं सर फ्लो इंडेक्स, तो बता दिया मैंने IP अपॉन IF प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है सर, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाला वाटर कंटेंट अपॉन IP वही रख देना फिर जो आपको पता ही है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, एक होता है सर लिक्विडिटी इंडेक्स, क्या होता है नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन माइनस WP अपॉन IP, याद आ गया, तो ये तीनों फॉर्मूले तो याद कर ही लेना, अब देखो अगर आपको एक्टिविटी रेशियो का एक्टिविटी नंबर का फॉर्मूला याद है और उसकी रेंज भी याद है,
एग्जाम के क्वेश्चन जो है उससे काम नहीं चल रहा है, फॉर्मूले से, उसकी रेंज से भी पता करना है। देखो सबसे पहले तो एक्टिविटी नंबर करके आपने पढ़ा होगा, क्या होता था, किन दो चीजों का रेशियो होता था, बताओ जल्दी से। नहीं याद है? हाँ बोलो भाई। परसेंटेज ऑफ फाइनल ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ क्या पढ़ा था? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो साहब। पॉइंट सेवन फाइव से नीचे होगा अगर एक्टिविटी वैल्यू, अगर पॉइंट सेवन फाइव से 1.25 के बीच में होगा और ग्रेटर देन 1.25 से ज्यादा होगी एक्टिविटी की वैल्यू, तो सबसे पहले ये सिचुएशन है, इसको बोलते हैं आप इनएक्टिव केस। ये होता है इनएक्टिव सॉइल। ये वाली जो रेंज होती थी ये होती थी नॉर्मल सॉइल, और ये होती थी सर, ये वाली ज्यादा होती थी, ये होती थी आपकी एक्टिव सॉइल। अब बताइए आपकी रेंज पहुंची गई है कि सॉइल मार्ज इज स्मॉलर देन 0.6, और 0.6 का मतलब है ग्रेटर लिखा मैंने, 0. इससे नीचे होगा जब 0.6, मतलब इस रेंज में आ रहा है क्या, है ना, इसी के रेंज में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है, टेंशन ना लो, सब कुछ लिखा आपके लिए, घबराओ मत। ये देखो सर, ठीक है ना, 0.75 से ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं सर, फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो के लिए, तो आईपी अपॉन एक्टिविटी नंबर जो होता है हमारे पास, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। क्ले कितना है हमारे पूरे सॉइल में, क्ले का फ्रैक्शन कितना है वो दिया जाएगा आपको, कि 70% है, 30% है, वो दे देंगे, देखेंगे। आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स, तो निकाल दोगे ना। अरे ये चीजें इतनी बेसिक चीजें हैं कि आपका तुरंत होना चाहिए एग्जाम में। चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताओ भाई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल मास इज 80%। पहली बात तो छोड़ो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मुझे फॉर्मूला बताओ भाई, देखते हैं तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, खाली चल रहा है। बताओ सबसे पहले मुझे बताओ डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मुझे एयर कंटेंट का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वेरी गुड। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, मेरे पास एक सनक आई मुझे कुछ, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आप जानते हैं, इसमें दो चीजें होंगी, या तो वाटर का वॉल्यूम होगा, या तो वॉल्यूम ऑफ, अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या क्या वॉल्यूम होगा, या तो वाटर का या तो एयर का। तो आप बोलेंगे दिस प्लस दिस इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या, नीचे आपने कॉमन ले लिया होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दैट मीन्स वन क्या, कहने का मतलब है ए सी प्लस एस इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स एक फॉर्मूला मिल गया है कि ए सी इज इक्वल टू वन माइनस एस, तो यही तो करना था, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया है ये सीधे याद करना, अब इतनी कहानी नहीं करनी है। तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 0.8 दिया है, 80% का मतलब क्या सर 0.8, तो जब आप 0.8 घटाओगे तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 मतलब कि डी हो जाएगा एयर कंटेंट, ठीक है ना, इस तरह से करना है एयर कंटेंट निकालने के लिए। चलिए जी, एक और टर्म्स होता है भाई यहाँ पर, ये तो चलो ठीक है, एयर कंटेंट का फॉर्मूला बहुत अच्छी बात है तुम्हें याद है, एक और टर्म्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज कराया जाता है जिसको बोलते हैं एयर पोरोसिटी। हालांकि पोरोसिटी तो अलग बात है, पोरोसिटी तो आपने पढ़ा होगा, पोरोसिटी क्या होता है भाई, एन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन एक एयर पोरोसिटी होता है, इसको आप दूसरा भी कहते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, यस इसी को एयर पोरोसिटी भी कहते हैं, कई लोगों को पता नहीं है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। दी परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जो होता है सर, इसको डिनोट किससे करते हैं आपको पता होगा, एन ए से करते हैं, है ना, एन एन ए से, उसको किससे करते हो, इसको भी ईटा कहते हो तुम, ये भी ईटा है, इसको किससे किया था तुमने पोरोसिटी को, नीटा पीटा जो भी, मैं तो एन कहता हूँ इसको, चलो छोड़ो कोई नहीं, मैं तो एन ही किया हूँ, तो एन ए हो गया, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ईटा कहना चाह रहा तो कोई नहीं, मैं तो एन कहता हूँ, तो एन ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम, यस ये हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है कहानी। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला इसका भी, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, और आगे कहाँ बढ़े, अब क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है, मुझे लग रहा है हो गया समाप्त। चलिए जी, बहुत चीजें आपकी रिवाइज होंगी, बताओ सेशन मजेदार लगा, बहुत चीजें रिवाइज भी,
कहने का मतलब आपने सोम की भी चीजें रिवाइज कर ली, हाईवे की भी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई। साथ साथ देखो क्या होता है ना, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना तो तब हमारा कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पर बिल्टअप हो जाता है। थ्योरी से तो होता ही होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल कर देते हैं उससे ये भी फील हो जाता है कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं और जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है, तो फिर एक अच्छा मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ हमें और पढ़ना चाहिए और रिविजन करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अच्छा पढ़ो, अच्छा रिविजन करो और अच्छे क्वेश्चन लगाओ, तब जाके आपका सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, तो आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं, कुछ जानकारी अपने कोर्सेज के बारे में देकर खत्म करेंगे सेशन को। एसएससी जेई 2024 हो या इसके आसपास के जो भी एग्जाम जेई के दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का आप पर टारगेट है, तो हमारे बैच में आप जुड़ सकते हैं और बढ़िया से अपने टेक्निकल को मजबूत कर सकते हैं। इस पूरे बैच में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है सिविल तो आपको पढ़ना ही है सारे सब्जेक्ट, और जैसे कि एसएससी का जो सिलेबस कहता है रीजनिंग और जीएस बहुत ही मजेदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 2499 इसमें ऑफ करके अभी है। आरआरबी जेई CBT 1 और CBT 2 हमारे साथ आप लोग पढ़ सकते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट मतलब दोनों ही चीजें। और वैसे भी आपको पता है यार कि आरआरबी जेई 2024 का जो जो देख रहे हैं हम आरआर रेलवे बोर्ड की हरकत, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख ही रहे होंगे कि ये पेपर लास्ट में जाने वाला है इस साल के अंत तक, मतलब कि अक्टूबर नवंबर, और ज्यादा अक्टूबर बोलूंगा मैं, या ऐसे भी अफवाह है कि 25 में भी जा सकता है, लेकिन हम 25 के नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लास्ट में जाएगा 24 के। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इसको गलत मत लेना, इसको अच्छी में लेना, अच्छे में इसमें लेना, क्योंकि सर आपके पास इतना सारा समय मिल गया है। अपना मोटिव बना दो कि भैया इस साल नौकरी लेनी है। उसके लिए देखो सब्जेक्ट आपको टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए, चाहिए था इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इतना CBT 1 GS ये सारी चीजें पढ़नी है, तो एक समझो कि आपको अच्छा समय मिल रहा है। लेकिन पता लग रहा है कि आप ऐसे सोच से सोचने में कब दिसंबर आ गया, फिर सोच रहे हैं कि अब तो एक ही महीने रह गया, ये मत होने देना। ठीक है, अपना बढ़िया से करो, हमारे साथ तैयारी करके आपको एक तो समय बच जाएगा और एक दूसरा ये होगा कि वेल कंटेंट मिलेगा आपको और मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। लास्ट में आपको एक कोर्स और बनाया गया है दोस्त, जो कि जीएस स्पेशल बैच है, ये स्पेशली मेरा ही कोर्स है जिसमें कि टोटली जीएस के सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको, और इसमें प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं आपको लास्ट में। ठीक है ना, तो ये स्पेशल जीएस इसमें मिलेगा केवल 2000 के करीबी, 1999 है। एक और चीज है दोस्त, क्योंकि आप जान रहे हैं कि UKPSC ने, लोक सेवा आयोग ने आपको सिलेबस दिया है लेक्चरर के लिए भी, इसका मतलब मुझे जहां तक लगता है ठीक है ना कि लेक्चरर का भी अगर चुनाव से पहले आया नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के बाद तो कंफर्म है भाई, 101% जो है कंफर्म है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन आना है, और उसमें जो भी है सिविल की जो भी पोस्टें आएंगी, लेकिन आएंगी बढ़िया से ही, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उसके बाद। तो आप बीटेक वाले छात्र जानते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें ये जो कोर्स हमने रखा है 2500 के करीब रखा है, आप अप्लीकेशन को डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भाई। कुछ दिनों तक हमारी छुट्टी रहेंगी, तो अब छुट्टी में जाना है भाई, शादी वादी में है, फिर मिलेंगे आपको एक हफ्ते बाद। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी रीजनिंग की क्लास कब है भाई?